वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्ये शुभ सर्वदा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये करारविन्दे पदारविन्द मुखारविन्दे विनिवेशय वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालमुकुन्द मनसास्मरामि बालमुकुन्द मनसास्मरामि वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मंदहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा श्रीधर्मनंदन महं विचिन्तये श्रीधर्मनन्दनं महं विचिन्तये श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा कथयिष्ये शुभाकथा आइये हनुमंत विराजिये कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिये पवन कुमार पधारिये पवन कुमार अथ नाम संकीर्तनम् चुम चुम बाजे घुघरिया छब दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए चुम चुम बाजे घुघरिया सब दिखलाए काना मेरे घर आए लल्ला मेरे घर आए हो मेरे घर आए काना मेरे घर आए ओ मेरे घर आए काना मेरे घर आए चुम चुम बाजे घुघरिया छवि दिखलाए काना मेरे घर आए आए मेरे घर आए ओ मेरे घर आए काना मेरे घर आए
गए आ गए। रे नई अंधेरी चंद्र स्वरूप आ गए मात यशोदा और हम सबको भागे भागे। मात यशोदा और हम सबको भागे भागे। कांधे काले कामलिया काली कामलिया बंसी बजावे गाना नयन नचाते आए मेरे घर आए। चुम चुम बाजे घुघरिया सब देख लावे काना मेरे घर आवे लला मेरे घर आए मेरे घर आए काना मेरे घर आए। श्रावण वद आठम किरण सुहामणी श्रावण वद आठम निरन सुहामणी सुहामणी। आनंद मंगल गाए सब गज गामिनी गामिनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी गामिनी। झरमर बरसे बेहुलिया झरमर बरसे मेहुलिया भक्त जन गुण गाए रंग उठाते आए मेरे घर आए। चुम चुम बाजे घुघरिया सब देख लावे काना मेरे घर आवे लल्ला मेरे घर आवे। मेरे घर आए काना मेरे घर आए। ओ मेरे घर आवे काना मेरे घर आवे। ओ मेरे घर आए काना मेरे घर आए। ओ मेरे घर आवे काना मेरे घर आए। स्वामी नारायण 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 हरण पद जाजर गणन जनन खरण पद जाजर गणन गणन गजने बंद तंकटन अंकार वरणन सुर धनन रयणे रात्रायत त्रणन ध्रणन बज त्राता भ्रमण भ्रमण वत भ्रमण रमे चावरा मेरे बाल रंग भर सोंदे चावरा मेरे बाल रंग भर
स्वामी नारायण भगवान की। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, दिव्य बंधु स्नेहल सिंधु, शताब्दी पर्व महोत्सव की जय जय जय। सर्वगुणातीत समाज की। श्री राधा रमण देव की। बाल कृष्ण लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का छठा दिवस। कथा के प्रारंभ में हमारे सबके जीवनदाता, सुखदाता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति स्वामीनारायण भगवान हरि कृष्ण महाराज, हृदय से उनकी वंदना करिए। भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की वंदना करके जिनकी करुणा से, जिनकी कृपा दृष्टि से हम सब इस सत्संग में सुरक्षित रहकर बहुत ही सरलता से भगवत भजन और सभी प्रकार का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे गुरु हरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, उनके लिए तो मैं आज इतना ही कह सकता हूँ कि सितारों में चांद आप हो। सितारों में चांद तो आप हो, फूलों में गुलाब आप हो। सितारों में चांद तो आप हो, फूलों में गुलाब आप हो। और कुछ कहने के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं, लेकिन हे काका जी, सभी धाम धामी मुक्तों में लाजवाब आप हो। ऐसे काका जी महाराज के, पप्पा जी महाराज के श्री चरणों में वंदन। और हे काका जी, आपके बाद आपके ही समान परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य भरत भाई, उनके बाद लाजवाब आप हो। आपके श्री चरणों में मेरा वंदन। परम पूज्य वशी भाई, हमारे महेंद्र बापू, उनको मैं रोज याद करता हूँ लेकिन नाम लेना भूल जाता हूँ, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम इस भागवत में स्मृति रखते हैं। ऐसे हमारे अक्षरधाम निवासी परम पूज्य योगिनी बहन, उनको याद करते हैं, उनको वंदन करते हैं। आज की सभा में उपस्थित परम पूज्य राजू भाई, किशोर भाई मास्टर, सभी हमारे वडिल पंकज भाई, दास काका, घनश्याम भाई शेठ, वसंत भाई, गिरीश भाई, मासा चंद्रकांत भाई, शंकर काका, सभी, और हमारे यहाँ की त्रिमूर्ति पिंटू भाई, सुहृद भाई, विजय भाई, और हमारे केतन भाई, अमित भाई, सपन भाई,
राकेश भाई सभी को और हमारे सहयोगी खास करके हमारे दर्शन भाई और हमारे गजेंद्र भाई हितेन भाई जस्मिन भाई सभी के हृदय में विराजमान महाराज को वंदन करके मेरा भाव से सबको जय स्वामीनारायण। श्री कृष्ण की लीला भागवत में भगवान बाल कृष्ण का प्रागट्य हो तभी से बस धमाल ही धमाल होती है। कथा का पूरा समंदर खड़ा है मेरे सामने लेकिन उसमें से कुछ कुछ कथाएं चुन चुन कर हम थोड़ा थोड़ा आचमन करते जाएंगे और सभी कथाओं का आचमन करेंगे ना तो पूरा गिलास हो जाएगा। तो बहुत सी कथाएं हैं और ये जो अब कथाएं हैं मधुर कथाएं हैं, भगवान के दिव्य चरित्र बहुत मधुर है। इनसे मीठा इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। भगवान के श्री चरित्रों से मधुर इस दुनिया में कुछ बना ही नहीं। ऐसे भगवान के ये चरित्र है, ये याद न रहे लेकिन फिर भी इनको जब भी हम सुने तब इनमें से दिव्य एनर्जी हमको मिलती है। अगर हमें मन में हो कि केवल सुनेंगे बार बार सुनेंगे तो क्या होगा, इनको सुनने से भी अंदर दिव्य एनर्जी मिलती है। मन से और ध्यान से सुनिए और खुद महसूस कीजिए। भगवान बाल कृष्ण की लीलाएं तो बहुत अद्भुत है, नटखट लीलाएं हैं। तो सब प्रसंग हम शॉर्ट शॉर्ट में सभी कथाएं में कहने का प्रयास करूंगा। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद में भगवान के प्रागट्य की अद्भुत जब लीला की कही तब गंगा तट पर सब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह गंगा का तट नहीं, ये यमुना का तट है, हम सब गोकुल में ही बैठे हैं। ऐसा नंद महोत्सव वहां पे, इतना दिव्य नंद महोत्सव सबने मनाया। 88,000 ऋषि मुनि सब संत बैठे हैं उस सभा में, इतनी बड़ी सभा सुखदेव जी महाराज की है। 88,000 कितनी बड़ी सभा होगी। संसार के सब ऋषि उनके शिष्य मंडल के साथ वहां पे उपस्थित थे। जब सुखदेव जी महाराज अपने मुख से जब भागवत गा रहे थे और परीक्षित को सातवें दिन शाम को भगवान का विमान लेने के लिए आया, उनके साक्षी वो 88,000 ऋषि है। बहुत अद्भुत उत्सव हुआ, इतना दिव्य आनंद हुआ। सुखदेव जी महाराज आगे की कथा कहते हैं, सुनो परीक्षित। श्री शुक उवाच बहिरंतपुर द्वार सर्वापूर्व वदावृता बहिरंतपुर द्वार सर्वापूर्व वदावृता ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता 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 बहिरंतपुर द्वार सर्वापूर्व वदावृता बहिरंतपुर द्वार
पूर्ववदा कृता ततो बालध्वनिं श्रोत्वा गृहपाला समुत्थिता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता गृहपाला समुत्थिता गृहपाला समुत्थिता। सुखदेव जी ने कहा, राजा द्वापर के अंत में भगवान लीला पुरुषोत्तम सुंदर बाल स्वरूप धारण करके देवकी और वसुदेव के वहां प्रकट हुए। ये कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान की यही कितनी बड़ी अचरज कराने वाली लीला है कि जिनके नाम स्मरण मात्र से जीव जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इस भवसागर को पार कर जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से, जिनकी लीलाएं, जिनका स्मरण, जिनकी भक्ति, जिनकी सेवा मुक्त कराने वाली है, वो खुद जब प्रकट हुए तो बंधन में प्रकट हुए, जेल के अंदर खुद प्रकट हुए। वसुदेव जी जब गोकुल से वापस उस बालिका को लेकर आए जो भगवान की माया थी, वो छोटी सी अभी जन्मी हुई बालिका, उनको साथ लेकर वापस जब जेल के अंदर आते हैं, सुबह होने की तैयारी है, बहुत जल्दी है, थोड़ा भय भी लग रहा, जब जाते थे तब भय नहीं लगता था, इस बात को पकड़ना बिल्कुल, जब वसुदेव जी जाते थे तब भय नहीं लगता था, आते हैं तो भय लगता है, ये एक बात याद रखिए। जेल के एक से एक दरवाजे बंद होने लगे, जब वसुदेव जी बाहर निकलते थे तब खुलने लगे थे, अब वापिस आए तो खुल ही गए हैं दरवाजे, तो खुले ही रहना चाहिए ना, ये तो बंद होने लगे फिर से। और जैसे ही वसुदेव जी आए जेल के अंदर, देवकी की गोद में बालिका को रखा, छोटी सी कुमली वो ताजी जन्मी हुई बालिका, उस कन्या को देखकर देवकी जी का मन भर आया, हृदय भर आया, आंख में अश्रु आ गए, देवकी का वात्सल्य उभर रहा है, स्तनपान कराया, गोद में खिला रही है देवकी। आज देवकी के मन में भी भय है, देवकी विचार कर रही है, अरे रे कितनी प्यारी सी ये कन्या है, लेकिन अभी कंस आएगा, अभी काल आएगा, मेरे हाथ से इस कन्या को छीन लेगा और मेरे हाथ से छीन कर इनको मार डालेगा, क्या करूं मैं। देवकी ने विचार किया, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करूंगी, उनसे मांगूंगी इनको जीवत दान दे। उसी समय वो कन्या जोर शोर से रोने लगी, जोर शोर से रोने लगी, और सभी पहरेदार जो सो गए थे वो जाग गए। बालक का रोने का आवाज जब उन्होंने सुना, सावधान हो गए, दौड़े जेल के अंदर, देखा देवकी की गोद में बालक, दौड़ते हुए गए कंस के महल में, और कंस के महल में वो अपनी शैया पर सोया हुआ है, घसघसाहट ऊंग रहा है, नींद ले रहा है। सेवक आए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, कंस महाराज, देवकी का आठवां प्रकट हो गया। जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी का आठवां प्रकट हो गया, कंस खड़ा हुआ, सीधी तलवार ली, न ब्रश किया, न मुंह धोया, न नाया धोया, कुछ भी नहीं, सीधी तलवार लेकर दौड़ पड़ा, चलो चलो जल्दी चलो। जेल के एक से एक दरवाजे खुलने लगे, आवाज आने लगी, देवकी थर थर कांपने लगी, कंस आ गया। कंस आया, आंखें फाड़ कर देखने लगा, अट्टहास्य किया,
और सिंह के सामने, शेर के सामने पकड़ में आई हुई मुरगली जैसे थर थर कांपती है, उसी तरह देव की कांपने लगी। वसुदेव जी भी टगर टगर कंस के सामने देख रहे हैं। अट्टहास्य करके कहा, लाओ देवकी, तुम्हारी आठवीं संतान मुझे सौंप दो, मुझे दे दो, लाओ मेरे पास मेरा काल मुझे दे दो, आज मैं इनको मिटा दूंगा और भगवान से भी कह दूंगा, उस आकाशवाणी को मुझे दिखाना है, मुझे अपने भाग्य की रेखा खुद बदलनी है। देवकी ने हाथ जोड़ा, भाई मुझे आठवीं संतान में बालक नहीं बेटी हुई है, बेटा नहीं बेटी हुई है, ये कन्या है, ये तो बेटी है, बेटी थोड़ी ना तुझे मारेगी। कंस ने कहा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे आठवीं संतान से मतलब है, सीधी तरह से देती हो। अब देवकी ने कंस के पांव पकड़ लिए, पैर पकड़ के मस्तक झुकाया, भाई मैं तेरी बहन हूं, तेरी सगी बहन हूं, जब से मैं समझदार हुई तब से आज तक मैंने तुझे राखी बांधी है, और जब जब मैं तुझे राखी बांधती थी तू बहुत आग्रह से मुझे कहता था, बहन कुछ मांगो, कपड़े में कुछ मांगो, कपड़े में कुछ मांगो, मैंने आज तक तेरे पास कुछ नहीं मांगा, मैंने एक ही बात कही थी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी, बस आज मुझे वो सारे कपड़े एक साथ दे दो, जितने साल मैंने तुम्हें राखी बांधी है बस सारे कपड़े मुझे एक साथ दे दो, थोड़ी सी दया कर दो, इस बच्ची को छोड़ दो, बस मैं भीख मांगती हूँ। देवकी अपनी साड़ी का पालव फैलाकर कंस से कहती है, भैया मैं भीख मांगती हूँ, इनके प्राण रहने दो, इनको बचा लो, लेकिन ये पापी, ये दुष्ट किसी बात को न समझा, देवकी की एक ना सुनी, और उस समय कंस ने झपट लगाकर, बाज जैसे अपने शिकार को झपट में लेता है उसी तरह देवकी की गोद में से बच्ची को उठा लिया, बच्ची के पैर पकड़कर अपने मस्तक पर घुमाकर जैसे ही दीवार पर पटकने के लिए जाए, उसी समय आश्चर्य हुआ, वो जो बालिका थी, वो बच्ची थी, कंस के हाथ से छटक गई, कंस के हाथ से छटक गई और आकाश मार्ग में दूर दूर अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके अट्टहास्य करने लगी। अट्टहास्य करके कंस को कह रही है, हे मूर्ख, किम मया हतया मंद जातः खलु तवांतकृ, यत्र क्ववा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। ये छोटे छोटे बच्चों की ये हिंसा करना, ये व्यर्थ हिंसा तू छोड़ दे, तुझे मारने वाला तेरा काल, इस देवकी का आठवां तो कब का जन्म ले चुका है और अपने स्थान में पहुंच गया है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा बच्चों को मारकर। हे मूर्ख, ये मूर्खाई बंद कर, ये पाप बंद कर दे, फिर से अट्टहास्य करने लगी। कंस देखता ही रह गया, अपनी आंख मटका मारनी बंद हो गई, मुंह खुला रह गया, और ये क्या हो गया, विचार मुग्ध बन गया और देवी अदृश्य हो गई। वसुदेव देवकी भी दुखी हुए, कहने लगे, भाई तूने आज तक हमको इतना परेशान किया, हमारे सभी बच्चों को मार डाला, और देख क्या हुआ, क्या कहा उस देवी ने, हम बोलते थे। देवकी ने कहा, मैं बोलती थी तुझे, मैं भीख मांग रही थी, मेरी एक बात न सुनी। कंस ने कहा, लेकिन मेरे साथ कपट हो गया, क्या करूं मैं, आकाशवाणी ने कुछ ऐसा कहा था और अभी तो ऐसा हुआ, किस पर विश्वास किया जाए, आजकल तो देवता लोग भी झूठ बोलने लगे। लेकिन बहन, मैंने बहुत तुम्हें परेशान किया,
बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा भाई ही हूं, मुझे माफ कर देना। देवकी और वसुदेव ने कंस को माफ भी कर दिया। चलो जो भी हुआ, भगवान की गति न्यारी है, कब क्या होने वाला है वो तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। कंस के मन में भी दया आ गई, वसुदेव देवकी को छोड़ दिया। लेकिन कथा ये कहती है एक साल के लिए छोड़ दिया था। एक साल के बाद जब कंस को पता चल गया कि वसुदेव का देवकी का आठवां वही नंद जी का लाला है, कन्हैया है, फिर से पकड़कर कारावास में बंद कर दिया था। कथा ये कहती है कि जब वसुदेव जी भगवान को भेजने के लिए गोकुल में गए भगवान को रखने के लिए, तब जेल के दरवाजे खुल गए, चौकीदार सब सो गए। ये कथा ये कहती है कि भगवान साथ होते हैं तब जीवन के सभी बंधन खुल जाते हैं। भगवान के जितने नजदीक जाओगे उतने ही जीवन में कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और वो सब जो पहरेदार सो गए थे, इनका रहस्य ये है कि जितने भगवान के नजदीक जाओगे, हमारे अंतः शत्रु रूपी जो हमारे पहरेदार है ना, हमें बहुत परेशान करते हैं बार बार, वो सब सो जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा जितने भगवान के नजदीक जाओगे। और सामने वाली बात ये है कि वसुदेव जी भगवान को साथ लेकर गए, एक एक बंधन खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना ने भी मार्ग दे दिया, भगवान साथ में हो गए तो कितना ही बड़ा पूर क्यों ना हो, जीवन में मार्ग जरूर मिल जाएगा। और जब उस बालिका को, बच्ची को लेकर आए, तब यमुना को पूरा पार करना पड़ा, जल में चलकर पार करना पड़ा। माया के जितने नजदीक जाओगे, माया को जितनी साथ रखोगे, उतना ही कष्ट होगा चलने में। और जितना आगे बढ़ोगे बंधन बढ़ता ही जाएगा, बंधन बढ़ता ही जाएगा। भगवान को लेकर गए, बंधन मुक्त हो गए, माया को साथ लेकर आए तो जेल के दरवाजे फिर से बंद होने लगे, फिर से बंधन होने लगा। चौकीदार जाग गए, माया को रखोगे तो हमारे अंत शत्रु सब जागते ही रहेंगे, हमें परेशान करेंगे। इस कथा का ये रहस्य है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस को कुछ पता न चला क्या हुआ। वो तुरंत गया, मंत्रियों की सभा बुलाई, सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि ऐसा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस आप सब चिंतन करो अब मुझे क्या करना चाहिए। उस देवी ने कहा कि तुझे मारने वाला देवकी का आठवां तो कब का जन्म ले चुका है और यथास्थान पहुंच गया है, कहाँ होगा, कौन होगा, कैसा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता होगा, कैसे ढूंढू, कहाँ से ढूंढू, कैसे मारू उसको, बस अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, देवकी के आठवें को ढूंढकर उनको मिटाना, बस आप सब उपाय दिखाइए। चाणूर नाम का कंस का मंत्री था, उसने कहा, महाराज डरने वाली कोई बात नहीं, आप इतने बड़े योद्धा होकर, इतने महान शक्तिशाली होकर आप डरते हैं, हमें आश्चर्य लगता है। आप जब हाथ में खड़ग उठाते हो, गदा उठाते हो, तब इस पृथ्वी के सभी राजा भाग जाते हैं, देवता लोग स्वर्ग छोड़ देते हैं, मेरु पर्वत की गुफा में छुप जाते हैं, इतना तो भय है सबको आपका, और आपको कौन मारेगा, फोकट के डर रहे हो आप। और कंस के जो सब मंत्री था ने, वो सब जब भी मीटिंग होती थी ना, तब पंप ले लेकर ही बैठते थे सब, जैसे मौका मिला पंप शुरू कर दिया, हवा भर भर के, हवा भर भर के कंस को मार दिया। और ऐसा डिसीजन देते थे वो कंस, उल्टा सीधा ही कदम रखता था। चाणूर मंत्री ने और सभी मंत्रियों ने कहा, ठीक बात है महाराज, डरने वाली कोई बात नहीं। कंस ने कहा, लेकिन उपाय तो करो, आठवां है कहाँ, कौन है। चाणूर ने कहा, एक काम करो, आपकी बहन पुतना है। हाँ, तो चाणूर ने कहा कि महाराज, आज तक पुतना को बहुत खिला खिला पिला कर पहाड़ जैसी बनाई है, किसी दिन काम आई आपको,
आज उनसे मदद मांगो, आज उनका उपयोग करो, पुतना को बुलाओ। पुतना मायावी राक्षसी है, अपना वेश बदलना रूप बदलना जानती है, बहुत कुछ शक्ति है उनके पास, उनको भेज दो। सारे आसपास के सभी नगरों में घूमे फिरे और आज से लेकर 10 महीने तक के जितने भी बालक हो सबको ले लेकर मार डाले, खा जाए, जो भी करे उनको फरमान कर दो। कंस ने पुतना को बुलाया, पुतना आई। पुतना मीन्स असुर रूपी बहुत बड़ा पहाड़, 6 गांव का शरीर था पुतना का। भागवत में 6 गांव का शरीर बताया है, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर का शरीर पुतना का था। कैसी राक्षसी होगी, कितनी बड़ी होगी। पुतना आई, हाँ महाराज क्या आज्ञा है, क्या सेवा है, आज मुझे याद की, मेरे भाग्य खुल गए। कंस ने कहा कि ज्यादा बात मत कर, मेरी बात सुन, तुझे एक यही काम करना है। देवकी का 8वां जन्म ले चुका है, अपने स्थान पे पहुंच गया है, लेकिन कहाँ है मालूम नहीं है। आज से लेकर 10 महीने तक जितने भी बच्चे जन्मे हो सबको पकड़ पकड़ कर तू खा जा, मेरा फरमान है, मेरा आदेश है, कोई भी तुझे नहीं रोक सकता, जा। और पुतना को आदेश मिल गया, छुट्टी मिल गई। अब वो तो बाल घाती नहीं, बाल ग्रह पुतना आकाश मार्ग में उड़ने लगी, नगरों में, गांवों में, झोपड़ियों में, सभी जगह जा जाकर काला केर बरताने लगी, धूम मचा दी, सभी बालकों को पकड़ पकड़ कर मारने लगी। यहां पे पुतना ने ये काम शुरू किया। यहां पे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, चलो राजा अब हम फिर से गोकुल में जाते हैं। गोकुल में क्या पोजीशन है, भगवान बाल कृष्ण लाल पधारे हैं। सुबह हुई, ये गोकुल यमुना के किनारे सुंदर गांव है, सुंदर छोटा सा रजवाड़ा है। सभी ग्वाल लोग, गैया चराने वाले गौ रक्षक, वही सब वहां पे बसते हैं। बहुत सुंदर गांव है, सुंदर यमुना का किनारा है, प्रभात हुई है, प्रातः काल है। एक ग्वाला यमुना के किनारे बैठकर सुंदर बांसुरी बजा रहा है और वातावरण को एकदम आह्लादक बना दिया है। प्रातः काल में भगवान ने सोचा कब का आया, कोई समाचार नहीं पूछ रहा, जोर शोर से रुदन शुरू किया। माँ यशोदा जाग गई, उनके आनंद का कोई मोल नहीं, इतना आनंद, इतनी आनंद में पागल बन गई, बेटा हुआ। और सुनंदा ने भी सुना, सुनंदा ने जाना, खुश खुशहाल हो गई और दौड़ कर नंद जी को जाकर समाचार दिया गौशाला में। नंद महाराज को जब समाचार मिले, कल हमने ये कथा का वर्णन किया, नंद महाराज भी खुशी के मारे पागल हो गए, गाय को वंदन करने लगे, गोबर का छंटकाव करने लगे, गौमूत्र का छंटकाव करने लगे, भगवान का, गायों का, सबका आभार मानने लगे। सुनंदा ने दौड़ दौड़ कर गलियों में जाकर पुकार कर करके सभी गोकुलवासियों को जगाया, जागो जागो गोकुलवासियों, हमारे राजा नंद के घर ला लो भयो। और गोकुलवासी सब सुबह सुबह में जागे, समाचार सुना, सब खुशी के मारे जल्दी जल्दी नंद भवन में जाने के लिए तैयार हो गए। चलो नंद यशोदा को आज इतनी बड़ी उम्र में बेटा हुआ है, बधाई देनी होगी, लाला के लिए जबला ले जाना होगा, ये परंपरा तभी से पड़ी है जबला लेकर जाने की। आप जबला ले आए हैं कन्हैया के लिए या खाली हाथ आए हैं? कृष्ण का जन्म हुआ है, कुछ जबला तो देना चाहिए ना उनको, वो प्लास्टिक वाला जबला मत पकड़ा देना। सब गोकुलवासी, सब नर नारी, ग्वाली ने ग्वाल, सब तैयार हो होकर जल्दी जल्दी में आए। जिनको जो चीज हाथ में आई सब ले लेकर
कोई पुष्प लाया, कोई अक्षत लाया, कोई माखन लाया, कोई मिश्री लाया, कोई कापड़ा लाया, जबला लाया, सब लाया, कोई छोटे छोटे खिलौने लेकर आया। और वधाई हो, वधाई हो, वधाई हो के नाद गूंजने लगे नंद भवन में। नंद यशोदा के ऊपर वधाई की बारिश हो गई। सब लल्ला के दर्शन करने लगे। नंद जी के भवन में ट्रैफिक हो गया और सब खुशी से वधाई देते देते आनंद उत्सव करने लगे। ढोल नगारे बजने लगे, शहनाई के सुर गूंजने लगे और पखावज मृदंग बाजने लगे और सब नर नारी नाचते कूदते हुए वधाई का नाद कर रहे हैं। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, 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 बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, लाए हैं भर भर थाल बधाई बाज रही, अरे लाए हैं भर भर थाल बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही 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 बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपिया नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपिया नाचे ग्वाल भी नाचे, आज नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, आज नाचो है सब संसार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार 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 बधाई बाज रही, गोपी झुलावे ग्वाल झुलावे, गोपी झुलावे ग्वाल झुलावे, गोपी झुलावे ग्वाल झुलावे, गोपी झुलावे ग्वाल झुलावे, झूले है नंद जी को लाल बधाई बाज रही, आओ झूले है नंद जी को लाल बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, बाज रही बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। Thank you.
ग्वाल भी बोले, गोपी बोले ग्वाल भी बोले, गोपी बोले ग्वाल भी बोले, गोपी बोले ग्वाल भी बोले। क्या बोले है सब? जुग जुग जियो मेरे लाल बधाई बाजरही, आज जुग जुग जियो मेरे लाल बधाई बाजरही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजरही, ओ नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजरही, बाजरही बधाई बाजरही, बाजरही बधाई बाजरही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजरही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजरही, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में लालो भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल के, आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमने कल ऐसी बात की थी कि मंदिर में नंद महोत्सव करना है, हमने किया, हमने तो किया, लेकिन आपने नहीं किया। थोड़ी देर के लिए नंद महोत्सव करेंगे, जैसी आपकी खुशी, जैसा मौका, जैसी इच्छा, अगर इच्छा हो तो खड़े होकर सब नाचते कूदते हुए भी नंद महोत्सव कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जगह मिले तो। और जिसको आनंद करना होता है वो कहीं भी कोना गोद ढूंढ लेता है। पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, अरे पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, गैया चराने आयो गिरधारी लाल की, गैया चराने आयो गिरधार लाल जी, आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे आज तो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहाँ बीच में आ जाओ और कुर्सियां सब समेट लो, कुर्सियां थोड़ी देर के लिए समेट लो और यहाँ बीच में कुंडाला कर दो। ये 5 मिनट का मौका है, ये दान ओ दान रे वाला कोई ने ना दे, दान रे मारा गयो मारो मिल दियो ने कुंवर कान रे, मारा गड़ो मारो मिल दियो ने कुंवर ने
रखी और हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी और हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी यशोदा को लाल भयो गिरधारी लाल की अरे यशोदा को लाल भयो गिरधारी लाल की नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मरिया शिकागो मां कोयला जेड़ा मोर मरवा आवो सुंदर वर्षा मरिया ए वाया ने वादल ओ मटिया रे रे वाया ने ए वादल ओ मटिया बाते नो यावो सामाते तमे रमवाले नावो सामाते खाना मड़वाते है ना यावो सामाते तमे मड़वाते नावो सामाते ना आवो तो ना आवो तो रे ना आवो तो नंद जी आन मड़वा आवो सुनेर वर्षा मड़िया वावाया ने वादड़ यो मट्या वावाया ने वादड़ यो मट्या हालो ने नंदला ओ जीरे तारा लटकानो नहीं मोल जीरे तारा लटकानो नहीं मोल लटके हालो ने ओ लटके हालो ने उजड़ा रंगा मोरे चोकला ने पार उजड़ा रंगा मोरे चोखलाने काये माँ फिर साबु चोखोगे है दोरे मोरे माँ फिर साबोगे लटके हालो ने लटके हालो ने लटके हालो ने नंदलाल जीर तारा लटकानो नहीं ओ जीर तारा लटकानो नहीं लटके हालो ने नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घेरा नंद भयो घोड़ा दिया और दिया पालकी हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी नंद घेरा नंद भयो एक नैया लाल की बुढ़िया माया नंद भयो एक नैया लाल की सीता गो माया नंद भयो एक नैया लाल की सीता गो माया नंद भयो एक नैया लाल की हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी आज नो को वाड़ भयो एक नैया लाल की माखन नो चोर भयो एक नैया लाल की गोपियों नो लालो भयो दिवाली हरे गोकुल महाज दिवाली हरे गोकुल महाज दिवाली प्रगट दया वन माली प्रगट दया वन माली गोकुल महाज दया वन माली
प्रगट तयमन माड़े गोकुड़मा गोकुड़मा आज दिवाली अरे गोकुड़मा आज दिवाली अरे घर घर थी गोपी आवे अरे घर घर मती गोपियों आवे अरे मन गमता साज सजावे अरे मन गमता साज सजावे कानूड़ा ना गुण गावे कानूड़ा ना गुण गावे गोकुड़मा कानूड़ा ना गुण गावे रे कानूड़ा ना गुण गावे गोकुड़मा अरे गोकुड़मा आज दिवाली अरे गोकुड़मा आज दिवाली तारम तारम नाल ही संभारम प्यास तपारम नंद कुमारम ने क्यारे पहरा दे प्यारे मैं बलिहारे गोकुड़ जावो गिरधारे तुम गोकुड़ जावो गिरधारे तुम सर सर पर सदर जमार तर अनुसार सर सर पर सदर जमार तर अनुसार घर घर बार धर मेल करे हरिहर सुर अवर सर अतिमान हर भर भर जतियो हर खबरे निर्भर नट कवर प्रवर गण निर्ज निकट मुकुट सिर सवर न में गण राव पाठ भर घर पद घूंगर रंग भर सोते चाम्र मेरे वाला रंग भर सोते जमुना तट प्रगट अमट आट रट जोट जोर गट कह गट कहन समय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जन्मोत्सव की आरती हम करेंगे। परम पूज्य दिनकर भाई और भरत भाई दोनों ठाकुर जी की और यहाँ पे भागवत भगवान की आरती करेंगे। जय काना काला। जय काना काला प्रभु नटवर नंदलाल मेटिय मोरलीवाड़ा मधुरिय मोरलीवाड़ा गोपीना जर ओम जय काना काड़ा कामण गारा कान कामण बोकेदा वाले कामण बोकेदा
माखण चोरे मोहन माखण चोरे मोहन इत चोरे दा ओम जय काना काना नंद यशोदा घेर वैकुंट उतारिया वाले वैकुंट उतारिया काले यमर्दन के दा काले यमर्दन के दा गायो ने चारे ओम जय काना काना चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़े प्रभु वंदो कर जोड़े चरणे शीत धराती चरणे शीत धराती कृपनाख्या तोड़े नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु दारी प्रभु द्विज कुल तनु दारी पामर पति तव धार्या पामर पति तव धार्या अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता लीला करताय विनाशे अड़सठ तीरथ चरणे अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करसे प्रभु जे दर्शन करसे काल कर्म थी छूटी काल कर्म से छूटी कुटुंब सहित तर्षे आ अवसर करुणा निधि करुणा बहु की दे वाले करुणा बहु की दे मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सीधि ओम जय सद्गुरु स्वामी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम मुंडरीकाक्ष मंगलचनारी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थकारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमो सुते नारायणे नमो सुते नारायणे नमो सुते स्वामी नारायण भगवान की जय आज के आनंद की जय प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज दिव्य बंधु स्नेहल सिंधु शताब्दी पर्व महोत्सव जय 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 उत्सव करके सब थक गए हैं तो ठीक तरह से जय नहीं बोल पाए एक बार दो हाथ ऊंचे करके सब जे बोलेंगे प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज पप्पा जी महाराज दिव्य बंधु स्नेहल सिंधु शताब्दी पर्व महोत्सव की हाँ फिर भी जैसी चाहिए वैसी मजा तो नहीं है जय श्री शुक उवाच ततः आरभ्य नन्दस्य व्रज सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवास आत्मगुणे रमा क्रीडम भूनृप हरेर निवास आत्मगुण रमा क्रीडम भूनृप रमा क्रीडम भूनृप सुखदेव जी ने कहा हे राजन आज गोकुल
वैकुंठ से भी आगे निकल गया, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ऐसा कहते थे कि जहां अक्षर धाम है वहां हम है, ऐसी बात नहीं है, जहां हम है वहीं पे अक्षर धाम है। आज भगवान खुद गोकुल में पधारे हैं, गोकुल में लीलाएं कर रहे हैं। सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप है, गुलाबी गाल है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी कमल की पंखुड़िया जैसी आंखें, वो पीपल के पत्ते जैसा सुंदर पेट, करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम वटस्य पत्रस्य बूटे शयानम। पेट भी ऐसा है और कमल के पत्ते पर भी लेटे हुए, ऐसे भगवान बाल मुकुंद को मेरा वंदन। जब से भगवान प्रकट हुए बस आनंद वही रहता है, क्योंकि स्वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व में नहीं समा पाता वो आज यशोदा की गोद में खेल रहा है। गोकुल की सभी ग्वाली ने श्याम सुंदर भगवान बाल कृष्ण के जब से दर्शन किए पहली बार, तब से उसी बाल स्वरूप में इतनी मोहित हो गई कि बस गोपियों को तो अब कुछ और प्यारा लगता नहीं, सभी जगह उनको बाल कृष्ण के ही दर्शन होते थे। ऐसी गोपियों की आराधना थी, ऐसी उनकी भक्ति थी, ऐसा उनका प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति। दिन पे दिन जा रहे हैं, भगवान धीरे धीरे पूर्णिमा का चंद्र जैसे पूर्ण कला से खिले, ऐसे धीरे धीरे भगवान खिल रहे हैं। और यहाँ पे तो सभी देवी देवता भी वेश बदल बदल कर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऋषि मुनि भी बार बार आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि नंद जी ने जब भगवान का प्रागट्य हुआ बहुत दान दिया, सोने का दान दिया, गायों का दान दिया, वस्त्रों का दान दिया, अपने भंडार खोल दिए, फिर भी कुछ कम नहीं हो रहा था। कैसे कम होगा, जो स्वयं लक्ष्मीपति है वो तो यहीं पे बैठे हैं, तो जहां भगवान है वहीं पे लक्ष्मी रहेगी। इसीलिए हरेर निवास आत्मगुणे, भगवान की निवास के सहज गुण से ही व्रज सर्व समृद्धिमान, व्रज में सर्व प्रकार की समृद्धियां हैं, कम होती ही नहीं, कम होती ही नहीं। नंद बाबा जितना देते हैं जितना देते हैं, कम होता ही नहीं। ये भगवान का ऐश्वर्य था। और कभी कभी तो ऐसा होता है, स्वरूपवान सुंदरियां आती है यशोदा के आंगन में, कोई यशोदा के आंगन में झाड़ू पोछा करती है, कोई पानी भरती है, सब काम करने लगती है। मैया यशोदा को देख के आश्चर्य होता है, अरे ये कौन है सब, आप कौन है सब, तब वो अदृश्य हो जाती है। वो सब स्वर्ग की देवांगनाएं हैं, उसमें इंद्राणी भी है। और एक बार तो एक स्त्री आई, एकदम रूपवान स्वरूपवान तेजोमय दिव्य शरीर, यशोदा के आंगन में आके खड़ी हुई, सब जगह टगर टगर देखने लगी। मैया यशोदा पालने में लाला को पोढ़ा रहे थे, यशोदा ने देखा, यशोदा बाहर आई और कहा, कौन है भाई आप, किसका काम है आपको, क्यों आई है आप? देखते तो ऐसा लगता है मानो कि स्वर्ग से कोई परी उतरी हो, आप इतनी रूपवान है, इतनी सुंदर है, हमारे गांव में तो कोई ऐसी गोपी है ही नहीं, तो आप कौन से गांव से हैं, किसके घर जाना है, बहुत पूछने लगी मैया यशोदा। और स्त्रियों का तो स्वभाव ही होता है पूछे जाना। और ये जो स्त्री थी ना, उसने कहा कि मुझे एक काम है आपके घर। हाँ बोलो बोलो, क्या काम है? कहा कि मैं आपके घर का पानी भरने आई हूं, मुझे आपके घर के घर का पानी भरना है, वो आपके घर का पानी भरना है। उनका मतलब ये होता है,
कोई युवान कन्या किसी के घर जाके बोले कि आपके घर का पानी मुझे भरना है, तो उनका मतलब ये होता है कि मुझे तुम्हारे बेटे की बहू बनना है। और वो जो कन्हैया था ना, उनकी बहू थी ये। उबेली अजानी नारी लक्ष्मी लोभानी रे, उबेली अजानी नारी लक्ष्मी लोभानी रे, भेजी एने प्रीते थी भरवा छे तारा पानी रे, नंद रानी तारा नामनिया कमाणी रे, नंद रानी तारा आंगना रे जी, भेजी ने पीते थी भरवा छे तारा पानी रे, नंद रानी माड़ी माड़ी माड़े रे, नंद रानी तारा आंगना रे जी, आंगना रे जी, आंगना रे जी। हे यशोदा, तारा कितला जन्मनी कमाणी, हे मैया तेरे कितने जन्मों के ये पुण्य है जो स्वयं विश्वंभर आज तेरी गोद में खेल रहा है। कितने बड़े भाग है तुम्हारे, किस मुख से गाए शेष भी सहस्त्र मुख से तुम्हारे भाग को नहीं गा सकता। मैं खुद लक्ष्मी हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, अनादि पत्नी, उनकी अर्धांगिनी। वो तुम्हारे गोद में खेल रहा है, मैं अकेली पड़ गई हूँ, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, उनके बिना मुझे नहीं चलता। ये कथा कहती है भगवान को जीवन में रखो, लक्ष्मी अपने आप घसीटती हुई आएगी। और हम ये करते हैं, लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, भगवान एक बाजू रह जाते। लक्ष्मी पतिव्रता है, वो अपने पति के बिना कहीं भी नहीं रहेगी। रखना है जीवन में बस भगवान को, भगवान को रखा बस लक्ष्मी अपने आप ही आएगी, कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भगवान के पीछे पीछे ही आती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा नंद बाबा ने सोचा हमारे घर लाला का प्रागट्य हुआ, बहुत खुशी थी, एक एक दिन खुशी से बीते जा रहे हैं। कब दिन उगता है कब रात हो जाती है, कब दिन उगता है कब रात हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। गोपियां अपना काम भूल गई है, ग्वाले अपना काम भूल गए हैं, बस खुशी खुशी खुशी, आनंद 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 ही है। नंद बाबा कहते हैं ग्वालों को इकट्ठा करके चलो, हम अपना वार्षिक कर अपना टैक्स भर के आते हैं। ये टैक्स भरने की पद्धति अभी से नहीं है भाई, ये तो अनादिकाल से आ रही है। पहले के लोगों को अपने राजा को टैक्स भरना पड़ता था, अभी बस बात यही है, थोड़े ज्यादा कम टैक्स भरने पड़ते हैं, कहीं ज्यादा है कोई देश में कम है, कोई देश में ज्यादा है। और हम यहाँ पे जितनी ज्यादा फैसिलिटी में रहते हैं उतना ही कठिन टैक्स भरना पड़ता है। नंद बाबा ने कहा हम अपना कर भर के आते हैं, उनका मतलब ये होता था कि पूरे साल में जो कुछ उपज आए जो कुछ कमाए उनमें से 10% 20% हिस्सा राज्य को देना पड़ता था। सब ग्वालों ने कहा अभी टाइम तो नहीं हुआ, अभी तो 2 महीने बाकी है। तो कहा कि नहीं, हमारे घर लाला आया है, बहुत खुशी है मुझे, मुझे इस बार डबल कर भरना है, इस खुशी से मुझे कंस को दुगुना कर देना है। तो चलो सब अपना कर इकट्ठा कर लो, हम जाते हैं सब ग्वाले गाड़े भर भर के अपना कर देने के लिए मथुरा में गए हैं। यहाँ गोकुल अकेला है, सब स्त्रियाँ ही है, कोई कोई पुरुष यहाँ पे रहे थे। और
नंद भवन वो तो खुला रह गया, केवल स्त्रियां ही है। नंद बाबा ग्वालों को लेकर गए, कंस ने स्वागत किया, कंस की सभा में सब कर दिया। कंस ने कहा कि नंद बाबा इस बार इतना ज्यादा कर इतनी सारी चीजें लाए हो, क्या बात है? नंद बाबा ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर इतनी बड़ी उम्र में बेटा हुआ है। कंस ने कहा अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा बस ये सब आपकी कृपा है, और वैसे देखे तो उनकी ही कृपा थी ना, और क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा बस मेरे लल्ला को अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। कंस ने न जाना न पहचाना, कह दिया तुम्हारे लल्ले का सभी शत्रुओं का नाश हो जाए। सबसे पहले वाला वही था, खुद आशीर्वाद दिए। नंद बाबा को हुआ कि वसुदेव मेरे परम मित्र है, कितने सालों से मैं मिला नहीं उनको, बहुत दुखी हुए हैं, मैं उसके खबर अंतर पूछने के लिए जाऊं। नंद बाबा वसुदेव के वहां गए हैं, दोनों मित्र का बहुत मधुर मिलन हुआ है, पूरी रात्रि सत्संग हुआ है। नंद जी ने वसुदेव के खबर अंतर पूछे, उनके दुख के भागीदार बनने के लिए प्रयास किया। वसुदेव जी ने यहाँ सुबह होने वाली थी और नंद जी को कहा कि आप कितने लोग आए हैं? कहा कि सब गोकुलवासी सब आए हैं। अरे तो गोकुल में कौन रहा? अभी असुरों का भय है, कुछ कहा नहीं जाता, आप गोकुल को अकेला छोड़ के आए हैं, वैसे ही आपको जल्दी जाना चाहिए, मेरा दाया अंग फरक रहा है, मुझे लगता है कुछ अनिश्चित होने वाला है, अघटित कुछ होने वाला है, आप जल्दी से जाइए। नंद बाबा ने रजा ली वसुदेव जी से, आंसू पोछे, दोनों विखुटे पड़े, जुदा हुए। ग्वालों को लेकर नंद बाबा गोकुल में आ रहे हैं। यहां पे क्या हुआ, गोकुल में कौन सी पोजीशन हुई? आज भगवान प्रकट हुए, उनका छठा दिन था, छठी का दिन था, और आज सभी ग्वाली ने तैयार हो होकर आई थी। भगवान बाल कृष्ण लाल सुंदर सुवर्ण के पालने में पौधे हुए थे, मैया ने बहुत अच्छे से सुंदर श्रृंगार किया, पीला पीताम्बर, कमर पे कंदोरा, सुंदर मोतियन की माला, कानों में छोटे छोटे कुंडल, भगवान को कुमकुम का टीका लगाया है, गाल पे काला टीका किया है, सुंदर काली भ्रमरों जैसे वक्र वाल है, भगवान बाल है भगवान के, अद्भुत श्याम सुंदर वेश बनाया है, पालने में भगवान पौधे हैं, सभी गोपियां इकट्ठी हुई, भगवान की छठी का आज उत्सव मनाया जा रहा है। सभी गोपियां आई, कृष्ण को बधाई देती है, आशीर्वाद देती है, और सभी गा रही है, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, झूलावे गोकुलनी नारी रे, झूलावे गोकुलनी नारी रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल तने रामकड़ा आपुरे, गोपाल तने रामकड़ा आपुरे, गोपाल तने माखणियों वालू रे, गोपाल तने माखणियों वालू रे, गोपाल मारो बोले कालू कालू, गोपाल मारो बोले कालू कालू, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे।
सब गोपियां इकट्ठी हुई, कान्हा को झुला रही है, सब गा रही है, सब आनंद कर रही है। छठी का उत्सव मनाया जा रहा है, तैयारी हो रही है। उत्सव तो शाम को नंद बाबा आए बाद में मनाना था, लेकिन ये सब तैयारी हो रही थी। बहुत आनंद आनंद था, सब गोपियों को आनंद से गा रही थी, झुला रही थी। गोपाल तने झांझरड़ी पहराओ, गोपाल तने झांझरड़ी पहराओ, के नाना नाना डगला रे भराओ, अरे नाना नाना डगलिया ए भराओ। गोपाल तने आंगली मान चाओ, गोपाल तने आंगड़ी माना चावो, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, झूलावे गोकुलनी नारी रे, झूलावे गोकुलनी नारी रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे, गोपाल मारो पारणिये झूले रे। लाड लड़ाओ लला ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लला ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लला ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लला ने लाड लड़ाओ। नानी मोटी गोपी मड़ी मंगल गाओ रे, नानी मोटी गोपी मड़ी मंगल गाओ रे, लाला ने लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लाला ने लाड लड़ाओ। ऐसा उत्सव हो रहा है, खुशी का माहौल है, दोपहर होने वाले हैं, सुबह से ये उत्सव चल रहा है, सब तैयारियां चल रही है, सब गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। दोपहर होने आया और यहाँ पे पुतना आई, घूमती फिरती पुतना गोकुल में आ पहुंची। आकाश में से देखा, किसी भवन में ऐसा नहीं देखा था कि इतनी सारी स्त्रियां एक बालक को वो झुला रही हो, लाड लड़ा रही हो। पुतना ने देखा, मानो या ना मानो, ये बालक कुछ विशेष है, मैंने ऐसा बालक नहीं देखा, और एक बालक को इतनी सारी स्त्रियां झुला रही हो, खिला पिला रही हो, लाड लड़ा रही हो, मैंने नहीं देखा। लगता है यही तो देवकी का आठवां और कंस का काल नहीं। आज पुतना नीचे आई, अपना वेश पलटा, उनका तो पहाड़ जैसा शरीर था, लेकिन सुंदर अप्सरा जैसी बन गई। सुंदर साड़ी पहनी, सुंदर श्रृंगार किया, और मानो कि स्वर्ग की कोई अप्सरा हो ऐसा रूप बनाया, और ठुमक 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 करके आई नंद जी के भवन में। सभी स्त्रियों ने गोपियों ने देखा, अरे रे रे, ये कौन है, क्या सुंदर रूप है, क्या तेज है, क्या श्रृंगार किया है, अरे वाह, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है। किसी ने कहा कि लगता है कि ये कोई स्वर्ग की देवांगना लगती है, किसी ने कहा कि नहीं, ये कोई अप्सरा जैसी लगती है, एक ने तो कहा कि ये स्वयं शिव की भार्या, शिव की पत्नी, ये पार्वती तो नहीं ना, आज तक ऐसी स्त्री देखी नहीं। एक ने कहा कि जब से लाला का प्रागट्य हुआ है, जब से कान्हा प्रकट हुआ है, तब से ऐसे तो बहुत यहाँ नंद जी के भवन में आते हैं, न जाने कौन होगा। नजदीक आई, नजदीक आकर देखा, पालने में भगवान पौड़ रहे थे, सो रहे थे। गोपियों ने पूछा, कौन है बहन आप। यशोदा जी आए, यशोदा जी ने देखा, आइए आइए बहन, कौन है आप, कहां से आ रही है। तो पुतना कहती है कि मैं ब्राह्मण पत्नी हूं, ऋषि पत्नी हूं, और मेरे पति ने अपने तप से मुझे वरदान दिया है
कि जो मेरा स्तनपान करेगा वो अमर हो जाएगा, वो बहुत बड़ा राजा बनता है और उसको कोई शत्रु जीत नहीं सकता। भगवान पालने में सोए सोए कहते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, तुम जैसा बोलो वही हो। और वही खुद अजर अमर थे, भगवान ही वो ही अजय शत्रु है। कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्मा है, तो मैं उसके दर्शन करने के लिए और उसको स्तनपान कराने के लिए आई हूँ। अगर वो मेरा स्तनपान करेगा तो बहुत बड़ा राजा हो जाएगा, वो अजय शत्रु बन जाएगा। और ये तो सब स्त्रियाँ, स्त्रियों को भ्रम जल्दी हो जाता है। और यशोदा को लगा कि मेरे बेटे को ये अगर स्तनपान कराए तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ तो बहन जी, आप मेरे लल्ला को स्तनपान कराइए ना। और ये पुतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आई थी कि जैसे ही स्तनपान करे भगवान मर जाए, ऐसे इस तरह से पुतना भगवान को मारने के लिए आई है। यशोदा मैया ने प्रेरणा दी, रजा दी और पुतना आगे बढ़ी, पालने के नजदीक गई और जैसे भगवान के पास गई भगवान ने मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर दी। भगवान ने आंखें बंद कर दी जैसे पुतना आई। और कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल गातिनी शिशुंस चचार निघ्नंती पुर ग्राम व्रजादिषु विबुध्यताम बाल कमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण अनंत मारो पयदक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि। पुतना आई तो भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी? विद्वानों ने बहुत सारे रहस्य प्रकट किए हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। कोई विद्वान कोई संत ऐसा कहता है कि पुतना, ये पुतना थी, पुत माने पवित्र, ना माने नहीं है, ये पवित्र नहीं थी, ये अपवित्र थी। और जहां पे अपवित्रता है वहां से भगवान अपना मुंह फेर लेते हैं, वहां आंखें बंद कर देते हैं, भगवान को अपवित्रता पसंद नहीं। कोई विद्वान कहते हैं कि पुतना अविद्या का प्रतीक थी, अविद्या का प्रतीक थी पुतना। तो भगवान जहां पे अविद्या होती है वहां से मुंह फेर लेते हैं, वहां आंखें बंद कर देते हैं। कोई संत ने तो ऐसा कहा कि ऐसा नहीं था, भगवान आंखें बंद करके सोच रहे थे कि मामा को अपने भांजे पे कितना प्यार है, मामा ने जैसे ही मैं प्रकट हुआ खिलौना भेज दिया है, बेबी डॉल भेज दी। अब इसका यही हाल होने वाला है बेबी डॉल जैसा ही। भगवान ऐसा सोच रहे थे कि मासी आई तो है लेकिन उसका कैसे सम्मान किया जाए, इसकी आगता स्वागता कैसे की जाए, भगवान ये सोच रहे थे। कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये पुतना अपवित्र थी, अविद्या का प्रतीक थी, इसलिए भगवान तो उसको मारने ही वाले थे लेकिन भगवान ने सोचा कि ये तो मेरा गोकुल है जहाँ पे मैं प्रकट हुआ हूँ, जहाँ मैं लीलाएं करने वाला हूँ, अगर ये यहाँ मरेगी तो इसके अणु परमाणु यहाँ व्याप्त हो गए तो ये सब गोकुलवासी जो सब पवित्र है ये सब अपवित्र हो गए, उनके विचार भी अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा सब कुछ होगा। तो इनको मारने के लिए कुछ बड़ी योजना बना रहे थे कि इसको यहाँ पे गोकुल में नहीं कहीं दूर दूर ले जाकर मार दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। कोई तो कहता है कि नहीं, भगवान तो ऐसा सोच रहे थे आंखें बंद करके कि पुतना आई तो भगवान ने आंखें बंद करके सोचा कि मासीबा आए हैं, स्तन पे कालकूट विष लगाया, अभी मुझे स्तनपान कराएंगे, मुझे कालकूट विष पीना पड़ेगा, अभी तो 6 दिन हुए, अभी तो मैया का पूरा दूध भी नहीं पिया, अभी तो दूध भी नहीं पिया और विष पीना पड़ेगा, अरे रे। तब भगवान ऐसा सोचकर महादेव जी को याद कर रहे थे कि हे महादेव जी, विष का अनुभव, विष का एक्सपीरियंस तो आपको है,
समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था वो आप ही गटगटा डाले थे, आपने ही पी लिया था, तो वो एक्सपीरियंस आपको है, तो आप आ जाइए जल्दी मेरी जगह पे और विष का पान आप कर लीजिए, इनके प्राणों का पान मैं कर लूंगा। भगवान इसलिए महादेव जी का स्मरण कर रहे थे, उनको बुला रहे थे आंखें बंद करके, कोई संत ऐसा कहते हैं। और वैसा ही हुआ, छठी के दिन पूतना आई और उनके दूसरे ही दिन महादेव जी भी आ गए। भगवान ने आंखें बंद करके महादेव जी को याद किया होगा, तो दूसरे दिन महादेव जी भी अभी नगर में जोगी आने वाला ही है। और विद्वानों ने बहुत सारे रहस्य प्रकट किए हैं, लेकिन भगवान ने आंखें बंद कर दी, पुतना ने भगवान को उठाया और स्तनपान कराना शुरू किया। अब भगवान पुतना को मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए तत्पर हुए। भगवान ने अपने मित्र क्रोध को बुलाया, क्रोध आया, भगवान को गुस्सा आया, क्रोध को कहा कि तू इनके प्राणों का पान कर। और भगवान स्तनपान करते थे लेकिन पुतना के प्राण खींचने लगे, पुतना आकुल व्याकुल होने लगी, पूरे बदन पे पसीना पसीना हो गई, आंखों में अंधेरा आने लगा, नाड़ियां टूटने लगी और पुतना को ये दर्द सहा नहीं गया, दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा, नसें सब खिंचाने लगी और पुतना बुमा बुम करने लगी। वो भगवान को छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही थी लेकिन भगवान अब नहीं छोड़ते थे। पुतना ने सामने से भगवान को पकड़ा, अब भगवान ने पकड़ लिया है, भगवान पुतना को नहीं छोड़ते हैं और पुतना बुमा बुम करती है, लाला छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणीम निष्पीड्यमान अखिल जीव वर्मणि, मेरा जीव जा रहा है, तू मुझे छोड़ दे। विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुंह, हाथ पांव धड़बड़ाने लगी, पछाड़ने लगी, और उसी समय नहीं सहा गया तो अपने मूल स्वरूप में आ गई। पूरे पहाड़ जैसा अपना जो बदन था, शरीर था, उसी स्वरूप में आ गई और आकाश मार्ग में उड़ने लगी। सब गोपियों ने, मैया यशोदा ने देखा तो उसी समय सबके जीव अद्धर हो गए, आंखें फटी रह गई। मैया यशोदा तो उसी समय वहां की वहां ढल गई, उससे सहा नहीं गया। गोपियां तो दौड़ी उनके पीछे, दौड़ो दौड़ो, कोई राक्षसी काना को ले गई, दौड़ो जल्दी दौड़ो बचाओ, लेकिन पुतना तो पूर्ण जोश से आकाश मार्ग से दूर दूर चली गई, गोकुल की सरहद से पार गई और बहुत ऊंचे ऊंचे भगवान उनको ले गए। बाद में तब तक भगवान ने पुतना के सभी प्राणों का पान कर लिया, पुतना निष्प्राण हुई, पुतना का उद्धार किया और पुतना का जो देह था वो कहीं जंगल वृक्ष झाड़ियों को टालता हुआ भूजता हुआ पूरा पड़ा पृथ्वी पर, मानो कि अर्थक्वेक हुआ हो, भूकंप हुआ हो, इतना बड़ा आवाज आया, पुतना पड़ी पृथ्वी पर। गोपियां दौड़ती दौड़ती हाँफती हाँफती आई, अरे रे अब क्या होगा, काना को लल्ला को ये राक्षसी उन्होंने कहाँ फेंका होगा, कैसे मारा होगा, क्या हो गया होगा। एक गोपी तीक्ष्ण दृष्टि वाली थी, गीध जैसी दृष्टि थी उनकी, उन्होंने देख लिया, अरे देखो देखो देखो, काना तो अभी जिंदा है, पुतना की छाती पर अभी बैठा है, खेल रहा है। और सीढ़ियाँ मंगवाई, बहुत सारी सीढ़ियाँ मंगवाई और एक से बांध कर एक से बांध कर एक, कितनी सीढ़ियां जॉइंट की। एक गोपी थी बल वाली, साहस वाली थी, तो वो चढ़ी सीढ़ी पे और पुतना के शरीर पर चढ़कर लल्ला को उठा लिया, भगवान को उठाकर यशोदा को जाकर सौंपा। यहाँ पे नंद बाबा आए, ग्वाले सब आए, इतना बड़ा महाकाय शरीर इस राक्षसी का देखा, सब आकुल व्याकुल हो गए देख के, अरे अरे ये कौन है, क्या है ये सब। गोकुल का रास्ता बंद, फाटक पड़ा हुआ था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। किसी ग्वालों ने आकर समाचार दिया कि आप नहीं थे, ऐसा सब हो गया। और ऐसा कहा जाता है, सब ग्वालों ने, नंद बाबा ने, सबने मिलकर पुतना के शरीर के टुकड़े किए,
बहुत सारे टुकड़े किए, बहुत सी चिताएं बनाई, उसमें उनके टुकड़े जलाए, और जब पुतना के शरीर के टुकड़े जले तब आसपास में चंदन और अगरू की सुगंध आने लगी। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव ये पुतना अपवित्र थी, अविद्या थी, इतनी पापिनी थी, राक्षसी थी, और ऐसा बदन जला तो उसमें से अगरू चंदन की सुवास, ये कैसे हो सकता है। सुखदेव जी महाराज ने उनका रहस्य प्रकट किया, परीक्षित देखो ये पुतना और कोई नहीं थी, बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला। जब भगवान वामन बनकर उनके द्वार आए तब भगवान का बटुक वामन स्वरूप सुंदर देखकर बलि महाराज की बहन रत्नमाला, उनको बहुत वात्सल्य उभर आया, बहुत प्यार उभर आया, और उस समय रत्नमाला को संकल्प हुआ कि अगर भगवान मुझे ऐसा बेटा दे और वो बेटा मेरा स्तनपान करे, मैं धन्य भागी हो जाऊं। और जब भगवान वामन से विराट बने, उस समय जब भगवान ने बलि को बांधा, वामन से विराट स्वरूप धारण किया भगवान ने, तब रत्नमाला को ऐसा हुआ कि अरे रे रे रे, भगवान ऐसा बेटा देंगे तो मार डालूंगी उनको तो मैं। दो संकल्प किए और भगवान ने कहा, तथास्तु, तेरा संकल्प कभी पूरा होगा। और इस जन्म में वो पुतना बनी। दोनों संकल्प भगवान ने पूरे किए, स्तनपान कराने का संकल्प था, मार डालने का भी संकल्प था, दोनों एक साथ करने के लिए आई थी, और भगवान ने इस जन्म से उनको छुड़ा दिया। और वैसे भी जब वो मरी तब उनके पास खुद भगवान थे, उनकी दृष्टि भगवान के सामने थी, और भगवान को गोद में लिए हुए वो मरी, तो इतना फल तो उनको मिलना ही था। ऐसे भगवान दयालु हैं कि ऐसी पुतना को भी इतनी दिव्य गति उन्होंने दी। गोपियां सब थी, वो भगवान को, लाला को लेकर गौशाला में गई, गौशाला में जाकर कन्हैया की नजर उतार रही है। अब यहाँ पे भगवान की नजर उतारी है, भागवत में वो भी बताया है कि छोटा बालक हो, उन्हें किसी की नजर लगे तो नजर कैसे उतारी जाए। हमारी पुरानी परंपराओं में तो बहुत कुछ था, अलग अलग तरीका, अभी वो तरीका तो है ही नहीं, किसी को पता भी नहीं कि बालक को किसी की नजर कैसे लगती है और नजर लगे तो क्या किया जाए। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि जो नमक होता है ना, वो नमक 7 बार घुमाते हैं बच्चे पर और कुंड में डाल देते हैं, और वो जो सूखी मिर्ची होती है उनका धुआं करते हैं और पूरे गांव में खांसी शुरू कर देते हैं जब नजर उतारते हैं। सब कुछ ऐसा किया करते थे। भागवत में बताया कि छोटे बच्चे को नजर लगे तो उनकी नजर कैसे उतारी जाए। गौशाला में ले गए कन्हैया को, गौशाला में लेकर कपिला गाय थी, कपिला गाय की पूंछ 7 बार उनके मस्तक पर घुमाई, गाय के 4 पैरों के बीच से 7 बार कन्हैया को पसार किया, गाय के गोबर उनके 10 अंगों पर लपेटे, गौमूत्र का छंटकाव किया, और ये सब करते हुए गोपियों ने कैसी भावना की, कौन सा मंत्रोच्चार किया, अव्याद जोंघ्री मणिमांस तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य रुत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठ विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम। हे कन्हैया, अजन्मा भगवान तेरे चरणों की रक्षा करे, भगवान मणिमान तेरे घुटनों की रक्षा करे, भगवान यज्ञ पुरुष तेरी जंघा की रक्षा करे, अच्युत भगवान तेरे कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान तेरे उदर की पेट की रक्षा करे, भगवान केशव तेरे हृदय की रक्षा करे, भगवान ईश तेरे वक्षस्थल की रक्षा करे, भगवान सूर्य
तेरे कंठ का रक्षण करे भगवान विष्णु, तेरी दोनों भुजाओं का रक्षण करे भगवान उरुक्रम, तेरे मुख का रक्षण करे चक्रधारी भगवान, तेरे आगे रहे गदाधारी भगवान, तेरे पीछे रहे धनुष और खड़गधारी भगवान, तेरी दोनों साइड रहे, तेरा सर्व प्रकार से रक्षण हो और आज के बाद तुझे किसी की नजर ना लगे। ये श्लोक का ये भावार्थ है, इसे पुतनाष्टक कहते हैं। भागवत में 8 श्लोकों का यह पुतनाष्टक है। गोपियों ने ऐसी भावना की है और कन्हैया की नजर उतारी है। अद्भुत कथा है। छठी का उत्सव हुआ, सातवें दिन भगवान प्रकट हुए, उनके सातवें दिन की सुबह हुई। भगवान जब से प्रकट हुए तब से देवता, सब देवांगनाएं, सब ऋषि मुनि, साधु संत, सब किसी ना किसी रूप से यहाँ पे आया ही करते थे। नंद भवन में आकर सब कन्हैया का दर्शन करने की लालसा से यहाँ पे आते थे। नारद जी ने भगवान की ये सब लीला देखी, नारद जी ने भगवान का अद्भुत सुंदर स्वरूप देखा। ओहो, नारद जी के मन में ये बस गया और नारद जी दूर से ही भगवान की सब लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का दर्शन करके आगे गए। बीच में कैलाश पर्वत आया। नारद जी ने सोचा, अरे कैलाश पर महादेव जी ध्यान में बैठे हैं, उनको पता है कि नहीं भगवान बालक बने हुए हैं और भगवान कैसी लीलाएं कर रहे हैं, चलो मैं मैसेज तो दू। और सबसे बड़ा नेटवर्क उस समय का गूगल अगर कोई हो तो नारद जी, चलता फिरता गूगल था, कुछ भी सर्च करो तुरंत आ जाए स्क्रीन पे, और कुछ भी नया हो तो कहीं भी समाचार पहुंचाने हैं तो नारद जी का वो काम था। पूरी पोस्ट ऑफिस खुद संभालते थे। तो नारद जी ने सोचा कि चलो महादेव जी के पास जाओ। और जब नारद जी कैलाश पर्वत पर गए तो महादेव जी पग पर पग चढ़ाए हुए ध्यान में बैठे। नारद जी ने आके वंदन किया महादेव जी को, ऊंचे ऊंचे हो मंदिर तेरे, हो ऊंचा है तेरा धाम, हो कैलाश वाले भोले बाबा हम करते हैं प्रणाम। नारद जी आए, महादेव की जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान ने आंखें खोली, ओहो नारद जी पधारिए पधारिए, बहुत दिनों के बाद आप आए, कहां विचरण में चले गए थे। नारद जी ने कहा, आजकल काम बहुत रहता है, भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं ना, देखभाल करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। प्रभु आपको मालूम है कि नहीं कि आप यहीं पे बैठे बैठे ध्यान लगाए टाइम पास कर रहे हो, थोड़ा देखो तो सही पृथ्वी पर क्या हो रहा है। खुद भगवान प्रकट हुए हैं गोकुल में, कितना सुंदर श्याम सुंदर बालक स्वरूप बनाया है। प्रभु आपने नृसिंह रूप देखा? कहा हाँ वो तो देखा। मोहिनी रूप देखा? कहा हाँ वही देखा। वराह रूप देखा? वो भी देखा। बालक रूप देखा श्याम सुंदर? कहा वो तो नहीं देखा। जाओ गोकुल में नंद जी के वहां, भगवान कैसी दिव्य लीला कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी ने कहा कि एक बार उस स्वरूप को जो कोई देखे बस जीवन भर वो स्वरूप मन से हटेगा नहीं। ऐसा सुंदर स्वरूप मैं अपनी वाणी से कैसे कहूं, क्या वर्णन करूं, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। तो भगवान तो खड़े हुए, हाथ में लिया त्रिशूल, डमरू बजाते बजाते भगवान चले। चलो मैं जाता हूं गोकुल। नारद जी ने कहा ठहरो महाराज, ऐसे मत जाइएगा, गोकुल पूरा खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। आपका ये वेश देखकर,
ये जटा कुछ कम कीजिए और ये जो नाग गले में लपेटे हुए हैं उनको थोड़ी देर निकाल के रख दीजिए और ये भभूति थोड़ी कम कर दीजिए। ऐसा कुछ वेश बना के जाइए। और महादेव जी ने साधु का वेश धारण किया, संत का वेश धारण किया और सन्यासी का वेश लेकर खुद महादेव जी आए हैं गोकुल में। यमुना के तट पर घूमते हैं, फिरते हैं। गोपियों ने देखा, अरे ऐसे संत तो आज तक देखे नहीं, कहाँ से आए होंगे, कौन होंगे, चलो जाके पूछते हैं। गोपियों ने आके पूछा, कौन है बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने कहा, हिमालय से आ रहा हूँ। अच्छा, हिमालय से आ रहे हैं, कहाँ पे आपको जाना है? कहा कि मुझे नंद भवन जाना है। ओहो, नंद भवन आपको जाना है, चलो हम भी वहां ही जाते हैं, चलो हमारे पीछे पीछे चलो। और भगवान शिव गोपियों के साथ साथ नंद भवन की ओर। वाघाम्बरम भस्मांबरम जटा जुटली बान, भोलेनाथ चले नंद जी के द्वार। नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया, जब की तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओ रमता जोगी आया, यशोदा के घर आया, जब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। बड़ा रे तेरा नाम, तेरा नाम भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ, भोले नाथ। भूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो, पाको तिलक बाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। अंग भूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो, पाको तिलक बाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया। अच्छा सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। गोपियों ने रास्ते में सब पूछ लिया, आप हिमालय में क्या करते हो? महादेव जी ने कहा, दिखता नहीं मैं साधु हूं, क्या करता होगा? तप करता हो हिमालय में। अच्छा ठीक है। एक गोपी ने कहा कि ये महाराज तो बहुत गुस्से वाले लगते हैं, और आगे मत पूछिएगा कुछ। लेकिन ये गोपियां जाती थी, फिर भी पूछा, महाराज कुछ ज्योतिष ज्योतिष जानते हो? भगवान शिव ने कहा कि अरे ये तो सब बला लग रही है, शांत रहते ही नहीं, पूछे ही जा रही है। भगवान शिव ने कहा, तो और तो सब एक काल का ज्योतिष जानते हैं, मैं तो तीनों काल का जानता हूं। अरे वाह, तो आप नंद जी के भवन जा रहे हैं, तो वहां नंद जी को वहां बेटा हुआ है,
बहुत ही सुंदर बेटा है, दिव्य बालक है, तो उनका ज्योतिष जरा देखिएगा। भगवान ने कहा कि तुम चुप रहो, मैं वही करने जा रहा हूं। आए महादेव जी और नंद जी के द्वार खड़े रहकर आवाज किया, भवति भिक्षां देहि, भवति भिक्षां देहि। दो बार आवाज की, कोई बाहर नहीं आया। गोपी गई एक अंदर, मैया को कहा, मैया मैया देख, बाहर कोई बाबा आए हुए हैं, ऐसे बाबा तो आज तक मैंने देखे नहीं, ऐसा वेश है, इतनी बड़ी जटा है, वाघांबर पहना हुआ है, हाथ में डमरू है। ओहो, कोई बात नहीं, जाओ, जब से मेरे घर कन्हैया का जन्म हुआ है, ऐसे तो बहुत साधु संत आते हैं, भगवान की कृपा हुई है, पहले तो कोई नहीं आता था, ये सब कन्हैया की कृपा है, उनके भाग्य है, ये सब बहुत से साधु संत आते हैं, और हमारा भी कितना बड़ा भाग्य, साधु संत आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। भले जाओ तो उनको पूछ लो क्या चाहिए, उनको जो भी चाहिए उनको दे दो, सीधा सामान, फल फलादि, वस्त्र, जो भी चाहिए उनको दे दो। गोपी आई, पूरा थाल तैयार करके, सीधा सामान रखा, फ्रूट रखा, सब्जी रखी, वस्त्र रखा, सब कुछ रखकर गोपियां आई, महाराज को दिया, लो महाराज ये भिक्षा। भगवान ने कहा कि ये भिक्षा हमें नहीं चाहिए, इनको हम क्या करेंगे, हम तो खुद रसोई बनाने वाले हैं नहीं, हमारी बीवी तो है कैलाश में, जब खाना होता है वो बना देती है, ये हम क्या करेंगे, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। एक गोपी ने बोला कि ये बाबा थोड़ा लालचू लग रहा है, ये इनको कम पड़ रहा है इसलिए मना कर रहा है, चलो और ज्यादा देते हैं, दूसरा उनसे दो गुना ज्यादा सीधा सामान, वस्तु पदार्थ, वस्त्र सब दिया। महादेव जी ने कहा कि ये हमको नहीं चाहिए। अरे तो आपको चाहिए क्या? गोपी वापिस आई, गोपी वापिस आई और कहा कि ये बाबा तो मना कर रहे हैं ये लेने के लिए। यशोदा ने कहा तू भी बहुत लोभी है, अरे जितना मांगे उतना दे दे, हमारे वहां कहां कमी है, जब से काना प्रकट हुआ है कुछ कम होता ही नहीं, जो मांगो यहां पे तो मिलता है, चल मैं भिक्षा देने के लिए जाती हूं। यशोदा ने हीरे मोती रत्न सुवर्ण ऐसे सब थाल भरकर पूरा थाल तैयार किया और मैया खुद आई है महादेव जी को भिक्षा देने के लिए। ये भिक्षा भी महादेव जी नहीं ले रहे हैं। आज नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया, आज नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया, ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भराया, ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भराया, लो भिक्षा अब जाओ जोगी, मालक मेरो डराया, लो भिक्षा अब जाओ जोगी, मालक मेरो डराया, आज नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया, नगर में जोगी आया, आके अलख जगाया। यशोदा जी आए थाल भर के, लो बाबा ये भिक्षा, कंचन थाल भरायो, महादेव जी ने देखा हीरा माणिक मोती सब, महादेव जी ने कहा, सोचा कि धन कुबेर भंडारी वो खुद मेरा भक्त है, तू मुझे क्या धन देगी, नहीं चाहिए ये मुझे। महादेव जी ने ऐसे मस्तक डोलाया, यशोदा जी ने कहा तो बाबा आपको चाहिए क्या भिक्षा में? महादेव जी ने कहा कि वो पालने में जो लेटा हुआ है ना, उनको ले आओ। जैसे ही बोले महाराज, यशोदा की आंखें फट गई, आप महाराज ही है ना, या महाराज के वेश में कोई और तो नहीं है ना, अभी कल का ही प्रसंग है, कल ही उनकी नजर उतारी है, और आपका वेश तो देखो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं निकालूंगी, अब उनको किसी को किसी की नजर लग जाती है, अब तो मेरे पर ये बहुत बड़ा जोखिम है, मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगी, आपको और जो भी चाहिए बोलो, जितना भी धन चाहिए बोलो,
जितनी भी दौलत चाहिए बोलो, मैं आपको दे दूंगी, मेरे आंगन से आप खाली हाथ नहीं जाओगे। महादेव जी ने कहा, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया, आज नगर में जोगी आया आके अलख जगायो, हे मैया ये तेरी दौलत दुनिया मुझे नहीं चाहिए, बस वो तेरे लल्ला का दर्शन मुझे करा दे, उसको बाहर निकाल, मुझे गोद में दे, मैं उनको देखने के लिए आया हूँ। अरे महाराज आप कौन है, कहाँ से आए हैं, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ और आपका वेश ऐसा है किसी की नजर लग जाए, और आपकी नजर भी कितनी भयंकर है, आंखें है मोटी मोटी, इतनी बड़ी जटा है, बभूति भी कितनी लगाई है आपने बदन पे, मैं नहीं अपने लाला को निकालूंगी बाहर, आपको ये सब लेना है तो ले लीजिए, और भी चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं अपने घर में काम कर रही हूँ। थाल सब वहाँ पे रख दिए और मैया चली गई अंदर। भगवान महादेव जी ने भी सोच लिया कि जब तक भगवान का दर्शन ना हो तब तक यहाँ से हटूंगा नहीं। आशा लगाए बैठे थे महादेव जी, नंद जी के आंगन में जहाँ पे महादेव जी दर्शन की आशा लगा कर बैठे थे, वहाँ पे आशेश्वर महादेव जी की स्थापना हुई। आज भी आशेश्वर महादेव जी वहाँ प्रस्थापित है नंद जी के आंगन में। महादेव जी ने आसन जमाया, पद्मासन लगाकर महादेव जी तो भगवान को प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैं कैलाश से कितनी लंबी यात्रा करके चलकर पैदल चलकर यहाँ तक आया हूँ, प्रभु कृपा कीजिए आप मुझे दर्शन दीजिए। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निशदिन रहत उदासी, निशदिन रहत उदासी, निशदिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। महादेव जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पालने में भगवान जाग गए, भगवान ने सोचा ओहो महादेव जी पधारे हैं, महादेव जी मेरा तो मन कर रहा है दौड़ के उनके पास चला जाओ, लेकिन अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो चलना भी नहीं सिखाया, बोलना भी नहीं सिखाया, कैसे जाऊँ, और मैया भी हट पकड़े बैठी है, मुझे ले जाने वाली नहीं है वहाँ पे, क्या करूँ, और कोई उपाय तो था नहीं भगवान के पास। उन्होंने अपना हारमोनियम शुरू कर दिया, रोने लगे जोर जोर से, और भगवान के रोने का आवाज सुनकर मैया दौड़ी किचन में से बाहर आकर सीधी पालने तक गई, लल्ला को उठा लिया, स्तनपान कराया, खिला रही पिला रही है, लाड लड़ा रही है, खिलौने भी दिए, लेकिन भगवान जैसे उनको शांत करने का प्रयास करे ज्यादा से ज्यादा रोए जा रहे हैं, ज्यादा जोर जोर से रोए जा रहे हैं,
चिंता हुई मैया को, अरे रे बाप रे क्या हो गया आज लल्ला को, गोपियां सब आई क्या हुआ। बहुत उपाय किए, भगवान शांत नहीं हो रहे। एक गोपी का ध्यान दरवाजे में से महादेव जी पर गया। महादेव जी तो आसन जमा कर भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, जाप कर रहे थे, उनके होठ फफड़ रहे थे। गोपी ने कहा, मैया तुम्हें मालूम है वो बाबा यहाँ पे आए हैं ना, तभी से ये कन्हैया ने रोना शुरू किया है और रोए ही जा रहा है, और देखो वो बाबा कुछ जंतर मंतर वाले मुझे तो लगते हैं, मानो या ना मानो उसके पास कुछ मैली विद्या है। देखो वो होठ फड़फड़ा रहे हैं, और वो जैसे होठ फड़फड़ा रहे हैं हमारा कन्हैया ज्यादा से ज्यादा रोए जा रहा है, ये सब उनकी ही नजरबंदी मुझे लगती है। मैया ने कहा कि हाँ सही बात है, भ्रम में डाल दिया मैया को, तू सही कहती है, वो बाबा दिखते ही ऐसे हैं, मुझे पहले से ही पता था, और कितना कहा कितना कुछ दिया अभी गया नहीं, वहां का वहां बैठा हुआ है अभी तक आसन जमाए, जा उनको बोल दे यहाँ से चले जाए, और ये सब होठ फड़फड़ाना और जाप करना नजरबंदी करना वो सब बंद कर दे, हमारा कन्हैया रो रहा है। दो गोपियां दौड़ती हुई आई, महाराज ये आप क्या कर रहे हो। महादेव जी ने कहा दिखाई नहीं दे रहा, मंत्र जाप कर रहा हूं। गोपियों ने कहा हमें पता है आप क्या कर रहे हो, नजरबंदी कर रहे हो, जंतर मंतर जानते हो, आपने हमारे कन्हैया की नजरबंदी की है, वो रोए ही जा रहा है रोए ही जा रहा है, ये जाप आप करना बंद कर दो और ये सब ले लो और यहां से जाओ पधारो। भगवान को पता भी नहीं था महादेव जी को, और उसको गोपी ने ही आइडिया दिया। गोपी ने कहा कि हमारा लल्ला रो रहा है, आप ये जंतर मंत्र बंद कर दो। भगवान ने कहा कि अभी तो मेरे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उनका मंगलाचरण शुरू किया है, अभी तो मंगलाचरण हो रहा है, मंत्र जाप शुरू करूंगा ना क्या होगा मालूम है, अभी तो तुम्हारा लल्ला रो रहा है, मंत्र जाप शुरू करूंगा तो लल्ला की माँ रोएगी, उनका बाप रोएगा, आप सब रोओगी, पूरा घर रोएगा। गोपियां डर गई, वहां से भाग गई, मैया मैया वो बाबा तो ऐसा कह रहा है, और भगवान ने तो रोना शुरू ही रखा। यशोदा ने कहा कि जैसे तैसे करके लल्ला को दिखा देते हैं, उन्होंने यही हठ पकड़ी है, जाओ उनको जाकर कह दो हम लाला को बाहर निकालते हैं, लेकिन एक नजर से देखना मत, आपकी नजर इनको लग जाए। गोपियों ने कहा कि मैया लाला को बाहर निकालती है, उनको ही देखना है ना आपको, लेकिन एक शर्त है, एक नजर से देखिए का मत, उनको नजर लग जाएगी आपकी। भगवान ने कहा भली मत हो, नजर किसकी किसको लग जाएगी वो तुझे पता नहीं, पूरी दुनिया को इनकी नजर लग जाएगी, ये ऐसा है तुम्हें पता नहीं सब कुछ। महादेव जी ने कहा कोई बात नहीं मुझे मंजूर है, और मैया गोदड़ी में भगवान को श्रृंगार सजाकर जब बाहर निकली तो भगवान ने रोना बंद कर दिया, जो चाहिए था वो मिल गया, भगवान ने रोना बंद कर दिया। दूर खड़ी रही, महादेव जी को कहा लो महाराज मेरे लल्ला का दर्शन कर लो। महादेव जी ने कहा मेरे आंखें कमजोर हो गई है तप करते करते, मुझे तो कुछ दूर से दिखाई नहीं देता, तुम तो गोकुल में रहती हो, यहाँ पे माखन बहुत खाती हो, तुम्हारी आंखों में तो बहुत तेज होगा, मुझे तो दूर से नहीं दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा नंबर है मेरी आंखों में, तुम नज़दीक लाओ उनको, मैं ठीक से उनको देखो दर्शन करूँ। और मैया नज़दीक आई और कहा एक नज़र से इनको देखिएगा मत, लेकिन महादेव जी को तो कोई बहाना चाहिए दर्शन का। मैया नजीक आई, महादेव जी ने कहा अरे मैया तेरे लाला की हाथ की रेखा तो बहुत बढ़िया है, लगता है कोई बड़ा राजा बनेगा वो, बहुत भाग्यवान है तेरा लाला। मैया को भ्रम में डाला, मैया ने पूछा महाराज आप ज्योतिष जानते हैं, अरे हाँ बहुत कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ लाओ तुम्हारा लल्ला मुझे दो, मैं उनका ज्योतिष उनका जन्माक्षर तुम्हें बना कर दे देता हूँ। अच्छा ठीक है लो,
और मैया ने महादेव जी को भगवान दिए और महादेव जी जिसलिए आए थे वो प्राप्त हो गया। भगवान महादेव जी की गोद में आए और जैसे भगवान को बाल कृष्ण को प्राप्त किया महादेव जी के रोम रोम पुलकित हो गए, आनंद आनंद आ गया और महादेव जी तो नाचने लगे। कन्हैया को इस खभे पे बिठाए, इस खभे पे बिठाए, झूला झूलाए, चुंबन करे, मैया की आंखें फट गई। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को घुमाने के लिए नहीं दिया है, उनका जन्माक्षर देखने के लिए दिया है। महादेव जी ने कहा कभी किसी का ज्योतिष जन्माक्षर बनवाया है कभी? मैया ने कहा आज तक तो नहीं बनाया। महादेव जी ने कहा इसलिए तुम्हें मालूम नहीं होगा, जन्माक्षर इनका बनाना है, ज्योतिष देखना है तो अंगन्यास तो करना ही पड़ेगा पहले। ये अंगन्यास चल रहा है, 5 मिनट चुप रहो तो। और महादेव जी ने ऐसा बोलकर भगवान बाल कृष्ण को बहुत लाड लड़ाया। बाद में महादेव जी ने कहा मैया तुम कुछ क्वेश्चन करो, प्रश्न करो इनके भाग्य के बारे में, मैं देखकर तुम्हें उत्तर दूंगा। महादेव जी ने सोचा कि ये बहाना बनाया है ज्योतिष का, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैया ने कहा कि मेरे बेटे को कन्या कैसी मिलेगी, बीबी कैसी मिलेगी? माँ को अपने बेटे की सबसे पहली चिंता कौन सी होती है? यही चिंता सबसे पहले होती है। मैया यशोदा ने कहा कि मेरे बेटे को बीबी कैसी मिलेगी? महादेव जी ने देखा ओ हो 16108। महादेव जी ने कहा कि कैसे बताऊं इनको, ये सच नहीं मानेगी। महादेव जी ने कहा अरे रे तेरे बेटे के भाग में तो एक नहीं बहुत ज्यादा बीबियां हैं। मैया ने कहा बहुत ज्यादा कन्याएं हैं, बहुत सारी बीबी होगी उनकी, बहुत सारी पत्नी होगी, कहाँ रखूंगी मैं, और सास बहू को तो कभी बनता नहीं बहुत ज्यादा। यहाँ पे ये सब गोपियां हैं उनकी सासुओं को कितनी परेशान करती है, चटनी बना देती है शाम तक, और इतनी ज्यादा इकट्ठी होगी तो मेरा क्या हाल होगा। नहीं मैं तो अपने बेटे को एक ही बीबी ला कर दूंगी, एक ही पत्नी उनकी होगी। महादेव जी ने कहा कि माफ करना आपका नहीं चलेगा उसमें, ये रास्ता तो खुद ढूंढेंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो एक ही शादी करवाऊंगी उनकी। महादेव जी ने कहा कि तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा आशीर्वाद लेने ही आएगा। और भगवान ने यही किया, 16108 के साथ शादी की। मैं अभी लास्ट में या कल ये रहस्य कथा लूंगा कि 16108 के साथ भगवान का विवाह कैसे हुआ। और भगवान ने सोचा कि महादेव जी तो सब अभी से ओपन करने लगे हैं। भगवान ने कहा बस करो प्रभु बस करो, और महादेव जी बोले ही जा रहे थे, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जैसे भगवान ने रोना शुरू कर दिया मैया ने कहा लाओ 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 मेरा लल्ला रोने लगा, फिर से वापिस ले लिया। और महादेव जी ने 5 परिक्रमा की, यशोदा और भगवान की 5 परिक्रमा की। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जिए तेरो जायो। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जिए तेरो जायो। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जिए तेरो जायो। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया, अजब है तेरी माया वेद कोई समझ न पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कथा तो बहुत मधुर है, बहुत विस्तार कर सकते हैं, लेकिन
अब नगर में जोगी आया नहीं, नगर से गया। महादेव जी भगवान का दर्शन करके यहां से विदा हुए। एक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुद पक्ष के दिन में जैसे चंद्र दिन प्रतिदिन कला बढ़ाते जाए, उसी तरह भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे शकटासुर और तृणावर्त के वध की कथा सुनाई है। एक दिन भगवान सोए हुए थे, अपने आप घूम गए। और जब बच्चा अपने आप पहली बार घूमता है, उनको अंग परिवर्तन कहते हैं। वो अंग परिवर्तन संस्कार करना होता है। यहाँ पे भगवान के एक एक संस्कार हो रहे हैं, एक एक संस्कार। 16 संस्कार हमारे होते हैं, जन्म से लेकर गर्भाधान संस्कार, जात कर्म संस्कार, ये अंग परिवर्तन संस्कार, नामकरण संस्कार, वागदान संस्कार, लग्न संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, सभी एक एक संस्कार होते हैं। अभी हम कितने संस्कार करते हैं? ये सब लुप्त हो गए धीरे धीरे। 2 संस्कार होते हैं, 3, एक लग्न संस्कार होते हैं और अग्नि संस्कार होते हैं। बाकी तो किसी को अगर पता होता है वो सब संस्कार करवाते हैं। लेकिन इन सब संस्कार का बहुत बड़ा महिमा है, ये सब संस्कार करने चाहिए। बाद में हम ही बोले कि बिना संस्कार का है, कुसंस्कारी हो गया है। तो पहले से संस्कार किया होता तो संस्कारी रहता ना। इसलिए ये सब संस्कार भागवत में बताए। भगवान के अवतारों की कथा में हम देखें तो भगवान के पूरे सब संस्कार होते हैं। तो ये कथा ये दिखाती है, ये बताती है कि सबको विधि पुरस्सर जो संस्कार होता है वो करना ही चाहिए। भगवान के अंग परिवर्तन का संस्कार हो रहा है, सब गोपियाँ इकट्ठी हुई है, मैया यशोदा ने सबको आमंत्रित किया है। इसमें यमुना के किनारे सब माल सामान ले गए हैं। भगवान को यमुना का जल लाकर उसमें केसर घोलकर पहले बाल कृष्ण को स्नान कराया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मण सब स्वस्ति वांचन कर रहे हैं। एक बड़े बर्तन में भगवान को बिठाया, आसपास सभी गोपियां बैठ गई और केसर युक्त जल से स्नान कराने लगी। बहुत अच्छा गाती है गोपियां, बहुत अच्छा भाव करती है। यमुना जल मां केसर घोड़ी स्नान कराओ श्यामला, यमुना जल मां केसर घोड़ी स्नान कराओ श्यामला, हलवे हाथे अंगो छोड़ी लाड लड़ाओ श्यामला, हलवे हाथे अंगो छोड़ी लाड लड़ाओ श्यामला, अंगो लूची वस्त्रो आपो पीलो पीतांबर श्यामला हो, अंगो लूची वस्त्रो आपो पीलो पीतांबर वालमा, तेल सुगंधी नाखी आपो तेल सुगंधी नाखी आपो, वाकड़िया तारा वाल माँ यमुना जड़मा केसर को स्नान कराओ श्यामला, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा,
वज्रम पश्येमाक्ष विरजयत्राः स्थिरे रंगे तुष्टुवा तुम सस्तनो विर्व्यसे माहिते वहितं यदायु कुम कुम के रो तिलक सजाओ त्रिकम तारा बाल माहो कुम कुम के रो तिलक सजाओ त्रिकम तारा बाल माहो अलबेली आखो माहो अलबेली आखो माया अंजन मारा वाल माया यमुना जड़ मा केशर होली नानक रामो सामड़ा नानक रामो सामड़ा। भगवान को सुंदर अभिषेक कराया, श्रृंगार किया, इसमें बहुत सुंदर गोपियों के भाव की बात की है। भगवान का सुंदर श्रृंगार हुआ, मैया ने स्तनपान कराया, ब्राह्मणों ने सब स्वस्ति वांचन किया, सब विधि किया, भगवान को नींद आने लगी। यमुना के किनारे सब माल सामान ले गए थे तो वहाँ तो पालना लाना भूल गए थे। मैया ने सोचा इनको कहाँ सुलाए, और भी काम है, अभी रसोई बन रही है, सबको खिलाना पिलाना है, सबको भेंट पूजा करनी है। मेरे बच्चे का अंग परिवर्तन संस्कार है, एक जो गाढ़ा था ना, वो गाढ़ा माखन दही उनका भरा था, उस गाढ़े के नीचे पालने जैसा बनाकर मैया ने एक कपड़े में कन्हैया को सुला दिया। भगवान की ये लीला थी, क्योंकि प्लान आ रहा था, नजदीक पहुंचने वाला था। कंस ने शकटासुर नाम का असुर भेजा, पुतना गई, उनके कोई समाचार न मिले, केवल इतना जाना कि नंदगांव में पुतना मरी गोकुल में। तो कंस ने सोचा कि गोकुल में ही देवकी का आठवा है, शकटासुर को गोकुल में भेजा, और शकटासुर ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आया, कन्हैया को देखा। इस दिव्य बालक को देखकर शकटासुर ने तय कर लिया यही कंस का काल है, और शकटासुर गाढ़े का रूप बनाकर भगवान को मारने के लिए आया। और भगवान जागते थे, भगवान हिचकारियां करते थे, अपने हाथ पांव पछाड़ते थे, उसमें भगवान का राइट पैर उस गाढ़े को लग गया। जैसे भगवान का राइट पैर भगवान गाढ़े को लगा, सीधा गाढ़ा आकाश में उछलने लगा, आकाश में उछलते उछलते जोर से गिरा, टुकड़े हो गए। गाढ़ा रूप शकटासुर था, शकटासुर के भी टुकड़े हो गए, और शकटासुर मरा। सभी बालकों ने देखा, बहुत बड़ा आवाज हुआ, सब दौड़ते हुए आए, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। मैया यशोदा तो वहीं की वहीं मूर्छित हो गई, अरे रे क्या हो गया, मेरा कन्हैया इस गाढ़े के नीचे सुलाया हुआ था। एक गोपी ने देखा कि वो जो दही की माखन की मटकियां थी गाढ़े के अंदर, वो सब फूट गई, ढगला हो गया, और कन्हैया उछल कर उस दही के ढगले में पड़ा था और छपछपिया कर रहा था। गोपी ने कहा कि मैया चिंता मत कर, तेरा लाला देख उस दही के ढेर में छपछपिया कर रहा है। दौड़ के उठा लिया, मैया ने लाला की फिर से नजर उतारी, शकटासुर का भगवान ने इस तरह वध किया, ऐसे ही तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त वावाजोड़ा रूप बनकर आया था, और तृणावर्त ने भगवान को तृणावर्त ने उठा लिया। जैसे पुतना को दूर दूर आकाश में ले गए, उसी तरह भगवान तृणावर्त को दूर दूर आकाश में ऊंचे ऊंचे ले गए, अपना वजन बढ़ाया और गला पकड़ लिया तृणावर्त का, और तृणावर्त अपने मूल रूप में आकर जोर से पटका। नंद जी के भवन के आगे एक बड़ा पत्थर था, उस पर पटका, वो भी उनका भी उद्धार हुआ। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गर्गाचार्य एक बार आए, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य ने आकर भगवान के नामकरण संस्कार किए हैं,
और भगवान के सभी गुण कहे हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होते जा रहे हैं। भगवान को गोपिया चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। जिनको चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, बोलने के लिए मुख की जरूरत नहीं, कार्य करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं, वो भगवान आज खुद चलना सीख रहे हैं गोपियों के पास। गोपियों बोलना सिखा रही है। मैया बाबा गैया बोलो, माखन बोलो, जाओ कन्हैया मैया को जाके बोलो माखन दो, ऐसा सब गोपियां सिखाती है। और भगवान किल 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 शब्द बोलते हैं। जब कन्हैया बोलता है तब इस सृष्टि में इनसे मधुर कोई संगीत नहीं है, ऐसा सुमधुर बोलता है भगवान। धीरे धीरे चलना सीख गए। दीवार का टेका लेकर भगवान चलते हैं, कभी गिर जाते हैं तो घुटने भर चलते हैं। बलराम और कन्हैया दोनों चलते चलते गौशाला में चले जाए, और गौशाला में जहाँ पे बछड़ों को बांधा हुआ होता है वहाँ पे पहुँच जाते थे और बछड़ों के पूंछ को पकड़ते थे। बछड़ों की पूंछ पकड़कर पूंछ के साथ खेलते थे, और खेलते खेलते बछड़ों की पूंछ खींचते थे। जब बछड़ों की पूंछ खींचे बछड़ा खड़ा हो जाए और खड़ा होकर भागता था, भगवान भी साथ में खड़े हो जाते थे, दूर पटकते थे, गिर जाते थे और रोने लगते थे जोर जोर से। भगवान का रुदन सुनकर मैया यशोदा रोहिणी दौड़ती थी और दौड़कर गौशाला में आकर कन्हैया को पकड़ लेती थी और टोकती थी। मैया कहा था कि यहाँ बैठा रहे, लेकिन एक जगह पे बैठता ही नहीं, कितना नटखट है, तूफान किया करता है, कहाँ क्या कहाँ पहुँच जाता है। ऐसी सब भगवान की नटखट लीला है। अब भगवान 5-6 साल के हो गए, भगवान की माखन लीला बहुत अद्भुत है, लेकिन पूरी माखन लीला सुनने के लिए पूरा एक दिन चाहिए। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है। माखन लीला की अद्भुत कथा कही है। गोपियां सब गोकुल का माखन सब मथुरा में बिकने के लिए चली जाती थी, तो भगवान ने छोटे छोटे बच्चे को बुलाया, छोटे छोटे बच्चों को साथ मित्रता की। भगवान ने एक सुंदर मित्र मंडल बनाया, उस मित्र मंडल को लेकर यमुना के किनारे बैठे थे। उसमें एक मनसुखा नाम का एक मित्र था, एकदम दुबला पतला था, मेरे जैसा, एकदम दुबला पतला एक मनसुखा था। उनको भगवान ने बोला, अरे मनसुखा तो ऐसा दुबला पतला क्यों है, देख हमारे सब मित्र कैसे हैं, तू अकेला ही ऐसा है, कुछ खाया पिया कर। मनसुखा ने कहा कि मैं बहुत खाता हूं। अरे क्या खाता है, कुछ दिखता तो नहीं इसमें। भगवान ने कहा कुछ खाया कर। मनसुखा ने कहा छींक आती है तो छींक खा लेता हूं, बगासा आता है तो वो भी खा लेता हूं, मैया मार खिलाती है तो वो भी खा लेता हूं, बहुत कुछ खाता हूं। भगवान ने कहा अरे पगले ऐसा नहीं, दूध खा, माखन खा, दही खा, पेंडा बर्फी खा, पिज्जा खा, सैंडविच खा, सबवे खा, टाको बेल खा। भगवान ने कहा कि ऐसा कुछ दूध दही माखन खा। मनसुखा ने पूछा ये पिज्जा पानी पूरी ये टाको बेल सब क्या है। भगवान ने कहा कि ये कलयुग में 20वीं सदी में आएगा, ये सब 20वीं सदी की बात है, 21वीं सदी की बात है, ये अभी देखने को नहीं मिलेगा। मनसुखा ने कहा कि माखन दूध दही तुम्हें तो बात करनी है, तुम्हारे वहां तो बहुत सी गायें हैं, बहुत दूध होता है, कितनी बड़ी फैक्ट्री चलती होगी, 9 लाख गाय, कितना दूध होता होगा। मनसुखा ने कहा कि
कि तुम्हारे वहाँ तो दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं, तू तो बहुत खाता है, हमारे वहाँ तो एक गाय और खाने वाले 10, मेरे भाग में कुछ आता नहीं। और एक वीक में जितना दूध दही का जो माखन होता है वो तो हमारी माँ मथुरा जाकर दे देती है, बेच डालती है, और यहाँ की सभी गोपियाँ ऐसा ही करती है। बालकों ने कहा कि हाँ ऐसा ही करती है, भगवान ने कहा कि उनको रोकना चाहिए, गैया पालते हैं हम, सेवा करते हैं हम, गैया हमारी है, माखन हमारा है, दूध भी हमारा है, तो हमारा ही होना चाहिए ना। वो मथुरा वाले खा जाते हैं और हमारा ही माखन दूध खाकर हमारे सामने ही आंखें दिखाते हैं, वैसा थोड़ी ना चलेगा, कुछ क्रांति लानी पड़ेगी समाज में। सबसे पहले क्रांतिवीर तो यही हुए, क्रांति लाने के लिए भगवान सबसे पहले तैयार हुए। भगवान ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप सब तैयार हो? बालकों ने कहा कि हाँ। भगवान ने कहा कि हम एक मंडल बनाए, सब साथ साथ ही रहना। हाँ, मंडल का एक प्रमुख होना चाहिए, आगेवान होना चाहिए। श्रीदामा ने कहा कि वो प्रमुख तुम, क्योंकि जो कुछ भार ऊपर आए वो तुम्हारे ऊपर आए, हम कोई प्रमुख नहीं बनेंगे, भगवान प्रमुख बने। और मंडल की स्थापना की, एक बालक ने कहा कि मंडल का कुछ नाम तो होना चाहिए ना, कौन सा सत्संग मंडल है, योगी डिवाइन सत्संग मंडल, कुछ नाम तो होना चाहिए ना। भगवान ने कहा कि अपने मंडल का नाम SVPM, SVPM नाम रखा। अरे भाई, एक बालक ने पूछा इसका मतलब क्या होता है, भगवान ने कहा कि चोरी विद्या प्रसारण मंडल, चोरी विद्या प्रसारण मंडल बनाया। क्या करना है? भगवान ने कहा कि मैं जो बोलू वैसा ही सब करना है, कोई बात नहीं। गोपियों को कल से रोकना है, गोपियों को जा जाकर कह दो माखन बेचने के लिए न जाए। बालकों ने ऐसा किया, गोपियां मानी नहीं, फिर भी माखन बेचने जाती थी। भगवान रास्ते में गोपियों को रोकते हैं, पत्थर मारते हैं, मटकी फोड़ते हैं, गोपियों को त्रास देते हैं। गोपियों ने बंद किया मथुरा माखन बेचने के लिए जाना। लेकिन बालकों को पूछा भगवान ने, तुम्हें खिलाती है अपनी माँ माखन? तो कहा कि नहीं। भगवान ने कहा कि चोरी तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे ये गोपियाँ नहीं मानेगी। और सभी गोपियाँ प्रार्थना भी करती थी कन्हैया को कि कन्हैया मेरे घर आओ, मैं तुम्हें खिलाऊँ पिलाऊँ, मैं तुम्हें लाड लडाऊँ, ऐसी भी गोपियों की मन की भावना थी, वो भी भगवान को पूरी करनी थी। ये माखन लीला को दूसरा नाम दिया है मनमोहक लीला। भगवान ने ये ऐसी नटखट लीला की है, सबका मन मोह लिया। भगवान टोली को लेकर जाते थे गोपियों के घर में, माखन की चोरी करते थे, मटके फोड़ डालते थे, बछड़ों को छोड़ डालते थे और गायों का दूध पी जाते थे बछड़े सब, बिना दूध की गोपियां रहती थी, बहुत तूफान किया करते है। एक बार सभी गोपियां मिलकर यमुना के किनारे बैठी थी, जहां गोपियां सब इकट्ठी होती है तो कन्हैया की ही बातें बस, अब कोई बात और होती ही नहीं थी। गोपियां दो इकट्ठी हुई, तीन इकट्ठी हुई और कृष्ण चरित्र शुरू, उनकी ही बातें, उनका ही स्मरण, बस उनका ही स्वरूप मन में रखती थी। गोपियां सब यमुना के किनारे पानी भरने के लिए गई, सब इकट्ठी हुई, बहुत सी गोपियां थी, अपना अपना अनुभव कहती थी। एक गोपी ने बोला कि मेरे घर कन्हैया आया शाम को, मैंने तो उनको पकड़ा, बहुत नाच नचाया, बाद में थोड़ी छाछ पिलाई। एक गोपी ने कहा तो मेरे घर आया तो पता ही न चला कब माखन लेकर चला गया। एक गोपी ने तो कहा कि मेरे घर तो बहुत बड़ा मंडल लेकर आया, मटके फोड़ डाले, बछड़े सब छोड़ डाले। एक गोपी ने तो कहा मेरे घर आया माखन न मिला, क्योंकि मैंने छुपा दिया था तो मेरे दो बेटे खेल रहे थे, उनको चुटकली कर करके रुला दिया और भाग गया। बहुत तूफानी हो गया है, वेरी डर्टी बॉय कन्हैया, क्या करे अब इनका। एक गोपी चुपचाप बैठी थी नीचा मुंह रखकर। सब गोपियों ने कहा अरे तू क्यों कुछ बोलती नहीं, कुछ बोल तो सही, तेरे घर कभी कन्हैया आया ही नहीं। उस गोपी ने बोला कि मेरे घर आया, लेकिन ऐसा आया, बात मत करो। अरे तू अपना एक्सपीरियंस तो कह, क्या हुआ था? गोपी ने बोला कि
नहीं रहने दो, मुझे नहीं कहना, मुझे शर्म आ रही है। गोपियों ने कहा कि अरे इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, बोल तो सही, क्या हुआ, क्यों आया, क्या किया। गोपी ने कहा कि इसमें बात ऐसी है कि एक बार मैं घर का काम करके बहुत थकी हुई थी, बाद में रहने दो ना, मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं कहना है। गोपियों ने कहा कि नहीं कहना तो पड़ेगा, क्या बात है, बोल बोल जल्दी, और हम ही है, इसमें शर्म की बात क्या है, बोल देना, हमारी सबकी बात सुन ली, अपनी बात कहती नहीं, क्या अनुभव हुआ, बोल तो सही, हमें भी पता चले। गोपी ने कहा कि मैं बहुत थकी हुई थी, शाम को जल्दी सो गई, तुम्हारे भाई भी बाजू वाले पलंग में सोए हुए थे, दोनों के पलंग साथ साथ थे, रहने दो, मुझे नहीं कहना है, मुझे शर्म आ रही है। गोपियों ने कहा कि नहीं, अब तुझे कहना तो पड़ेगा ही, तुझे कहना तो पड़ेगा, चल बोल क्या हुआ। तो उस गोपी ने कहा कि हम दोनों सोए हुए थे, कब आया, क्या किया, कुछ पता नहीं चला, जब सुबह उठी, जब उठकर आगे बढ़ी, तो तुम्हारे भाई मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े, अरे अरे अरे, खड़ी रे खड़ी रे खड़ी रे खड़ी रे। मैंने पीछे देखा तो तुम्हारे भाई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, मैं फिर से आगे बढ़ी तो फिर से मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, अरे खड़ी रे खड़ी रे खड़ी रे। मैंने कहा इतनी सुबह सुबह क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, शर्म नहीं आ रही सुबह सुबह पीछे घूम रहे हो। तुम्हारे भाई ने कहा अरे पागल, देख तो सही, तेरे छोटले के साथ मेरी दाढ़ी बंधी हुई है, और कन्हैया ने ये सब किया, रात को आया, दोनों का पलंग नजदीक रखकर मेरे चोटले के साथ तुम्हारे भाई की दाढ़ी बांध दी, और ऐसी गांठ मारी, ऐसी गांठ मारी, छूटे ही नहीं। और कन्हैया, गांठ जिसकी मारे वो छूटेगी कभी। अरे बाद में क्या हुआ, अरे बाद में तो बात मत पूछो, जहां जाओ तुम्हारे भाई पीछे पीछे, और गांठ छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, छूटे ही नहीं, उल्टी घूंच बढ़ती ही जा रही थी, घूंच बढ़ती ही जा रही थी, छूटती ही नहीं थी। बाद में तुम्हारे भाई ने कहा कि कातर ढूंढ कातर, और इनको काट बीच में से, तेरा चोटला थोड़ा काट डाल। मैंने मना किया नहीं, मैंने कितने दिनों से बाल बढ़ाए हैं, और मुझे तो अभी ब्यूटी पार्लर में जाना है बाल ठीक करवाने के लिए, अभी से काट दोगे। तुम्हारे भाई ने कहा तो मैंने मना किया, मैंने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी काट दो। बाद में हम कातर ढूंढते थे, न जाने उसी दिन कातर कहां मैंने रख दी, मुझे भी पता नहीं, इस रूम में से इस रूम में, इस रूम में से इस रूम में, यहां से यहां। शादी की तब चार फेरे हम फरे थे, कन्हैया ने दाढ़ी और चोटला बांधा, पूरे घर में चार फेरे फिर से फेरवाए, फिर चार फेरे लगाए हमने दोनों ने, ऐसा तूफान किया, कातर मिली, बाद में दाढ़ी काटी, ऐसा हुआ। कितना नटखट हो गया है, गोपियों ने तय किया कि चलो यशोदा को फरियाद करते हैं, बहुत तूफानी हो गया है, उनको रोकना चाहिए, उनको डांटना चाहिए, तुम्हारा कन्हैया माखन चोर है, चोरी करता है, मटके फोड़ डालता है, सभी बच्चों को इकट्ठा करके तूफान करता है, पत्थर फेंकता है, गोपियों को परेशान करता है। सभी गोपियां इकट्ठी हुई, इकट्ठी होकर यशोदा के आंगन में गई, यशोदा के आंगन में जाकर बुमा बूम करने लगी, अरे ओ यशोदा बाहर निकल। यशोदा ने देखा बहुत सारी गोपियां आई हुई थी, ओहो आज एक साथ इतने मेहमान आ गए, आओ आओ बैठो बैठो, नहीं बैठना है हमें तेरे घर। यशोदा ने कहा कि लेकिन इतना गुस्सा, बात क्या है, क्या बात है। कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारा कन्हैया चोर है, और जब यशोदा के कन्हैया को चोर कहा, यशोदा का मगज गया, बोलने में ध्यान रखना, हाँ मेरे बेटे को कुछ मत कहना, और अपना बेटा तो सबको प्यारा ही लगता है, भले फिर जैसा भी हो, स्पाइडरमैन जैसा हो, फिर भी
लगता है तो प्यारा ही। एक भाई एक बहन के घर गए, घर जाके कहा, अरे बहन देखो तो सही, अपने बेटे को डांटो, उनको बुलाओ, उनको रोको, कितना तूफान कर रहा है, गलियों में पत्थर फेंकता है, अगर लग गया तो मुझे। बहन ने कहा, तुम्हें लगा? नहीं, अभी लगने ही वाला था, लग गया तो। बहन ने कहा, तुम्हें लगा? नहीं, लगा नहीं तो वो मेरा बेटा नहीं होगा। मेरा बेटा होता तो आप मेरे पास नहीं आते, सीधा अस्पताल जाते, उसने मार ही दिया होता। अपना बेटा तो सबको प्यारा ही लगता है। यशोदा सह न पाई, लेकिन गोपियों ने फरियाद की। क्या करता है? चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा को ललनवा, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा, चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा तेरो ललना, चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। मैंने उसे पूछा कि नाम तेरा क्या है, 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 माधव नाम बताए गए यशोदा के ललनवा, माधव नाम बताए गए यशोदा के ललनवा। मैंने उसे पूछा कि गांव तेरा क्या है, 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 गोकुल नाम बताए गए यशोदा तेरो ललना, गोकुल गांव बताए गए यशोदा के ललनवा, अरे चोरी चोरी माखन खाए गए यशोदा तेरो ललना, चोरी चोरी माखन खाए गए यशोदा तेरो ललना। मैंने उसे पूछा कि काम तेरा क्या है, 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 माखन चोरी बताए गयो रे यशोदा तेरो ललना, माखन चोरी बताए गयो रे यशोदा तेरो ललना, अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे यशोदा तेरो ललना, चोरी 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 माखन खाए गयो रे यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना, यशोदा तेरो ललना। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, कभी आता है बछड़ों को छोड़ डालता है, कभी मटके फोड़ डालता है, माखन की चोरी करके खाता है, ये अच्छा लगता है। अभी तो ठीक है, बड़ा होगा सबको पता चलेगा, कौन कन्या देगा उसको। यशोदा ने कहा कि रंगे हाथ पकड़ाओ तब भी मैं बात मानूंगी, माखन लीला की कथाएं तो बहुत सारी है। गोपियां फरियाद करती है, मैया कन्हैया को समझाती है, बाद में खुद मैया माखन बनाती है और कन्हैया जाग जाता है, माखन मांगता है, माखन भी कच्चा होता है और माखन देने में देर लगती है तो भगवान सब अपने ही घर में मटके फोड़ डालते हैं। मैया लकड़ी लेकर पीछे पीछे भागती है पकड़ने के लिए, भगवान को पकड़ती है, रस्सी से बांध देती है, खांडनिये के साथ बांधती है और उसे दामोदर लीला कहते हैं। दाम यानी रस्सी, पेट के साथ बांधी, पेट को उदर बोलते हैं, तभी से भगवान का दामोदर नाम पड़ा है। उस दामोदर लीला से भगवान ने यमलार्जुन के दो वृक्ष थे अपने आंगन में, वो नल कुबर और मणिग्रीव, कुबेर के दोनों पुत्र थे, वो नारद जी के श्राप से दोनों वृक्षरिप हो गए थे, उन दोनों का भगवान ने उद्धार किया। बाद में भगवान ने माटी खाई, 14 ब्रह्मांड का भगवान ने अपने मुख में दर्शन कराया, वो भी लीला बहुत अद्भुत है। लेकिन 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है और हमें आज परम पूज्य दिनकर भाई और भरत भाई दोनों की अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करना है, तो
तो यही इतनी कथा लेकर कथा को विराम देते हैं। कल शॉर्ट में गोवर्धन लीला और कालीय दमन आदि का रहस्य बताऊंगा, सुदामा चरित्र की लीला लेंगे, जितनी हो सके उतनी लीला लेंगे, क्योंकि भागवत के एंड तक हम पहुंच जाएंगे। प्रारंभ किया तो एंड तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन सब लीला नहीं ले पाएंगे, और काका जी की कृपा होगी, महाराज की मर्जी होगी और आप सब की इच्छा होगी तो फिर कभी मिलेंगे व्यासपीठ पे। और बहुत सारी ये रहस्यमय कथाएं जो बाकी है वो विस्तृत रूप से सुनेंगे। अभी मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतना लाभ देना मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, काका जी की कृपा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हमारे साथ वो बैठे हो और हमें बल, हमें प्रेरणा, हमें आनंद दे रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसा आयोजन है, लेकिन बहुत सुंदर आयोजन है। आप सबका भाव, प्रेम, और आप इतनी शांति से कथा सुनते हैं, सभी कथा को, सभी पॉइंट को ठीक से एक्सेप्ट करते हैं। अमेरिका में ऐसी कथा इतने शॉर्ट टाइम में और इतनी जगह में इस तरह होनी नामुमकिन है, अशक्य है। नामुमकिन को मुमकिन करना, वही काका जी का काम है। काका जी की कृपा हो, सब कुछ हो सकता है। और इस आयोजन में मैं स्पेशल थैंक्स कहूंगा दिनकर दादा के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के तीनों संत हैं, पिंटू भाई, सुहरत भाई, विजय भाई, सुबह से लेकर देर रात तक हम उनको देखते हैं, भी कंटिन्यू माइंड पर इतना बोझा, वर्क का इतना बोझ, इतना पूरा आयोजन हुआ, लेकिन वो ठीक से शांति से नहीं बैठ पाते। हम सब इतनी शांति से, इतनी व्यवस्था के साथ इतनी सुंदर कथा सुनते हैं, इतना आनंद लेते हैं। मैं जब से यहाँ आया, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि ये तीनों प्रातः से, सुबह से लेकर जल्दी उठते हैं, सुबह अपने जॉब की चिंता कंटिन्यू, वहाँ से आते हैं तो सबका अरेंजमेंट करना, सबके भोजन की चिंता, जो कुछ आयोजन हो साथ में जाना, सब सामान घुमाना फिराना, सब सेटअप करना, पहले भी सब सेट उन्हीं को करना है, यहाँ तो सब तैयार हो जाता है, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो महापूजा हो, चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे वो सभा हो, यहाँ पे हो या हॉल पे हो, यहाँ से सब उठा कर ले जाना, वहाँ पे सब सेटअप करना, वहीं से लाना, यहाँ पे फिर सेटअप करना, कंटिन्यू इतनी मेहनत करते। हम तो तैयार पे आके बैठ जाते हैं और जब कथा पूरी होती है, पूरा आनंद लूटते हैं, कथा पूरी होती है, भोजन करते हैं, सबको मिलते हैं, हा 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 ही कर लेते हैं, बाद में जय स्वामीनारायण करके चले जाते हैं। तो यहाँ ये सब पड़ा है, समेटना भी उनको है, इतनी व्यवस्था, फिर भी थकान अपने चेहरे पे देखने नहीं देते, हंसते मुख से सब सेवा करते हैं। इस उम्र में, इस अवस्था में इतनी सेवा, मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब काका जी का बल है, काका जी की प्रेरणा है, काका जी उनके साथ सतत है। तब भी हो सकता है, लेकिन कोई भी हो थक जाता है, बोर हो जाता है, कहाँ तक, ये तो कंटिन्यू ये सेवा कर पाते, और इनसे ही इस सत्संग बहुत बढ़े, सत्संग की प्रगति हो, काका जी की अखंड कृपा हो, काका जी अखंड उनको बल दे, दिनकर दादा के आशीर्वाद कायमी रहे, भरत भाई सभी के आशीर्वाद कायमी रहे, और सत्संग की बहुत सेवा करे, मैं भी
व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ। स्पेशल थैंक्स इन तीनों को, इस आयोजन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो यहाँ के युवाओं ने भी बहुत मेहनत की है, यहाँ के सभी युवा जेंट्स लेडीज सभी बहुत भाव से सेवा करते हैं। हमारा ये समाज बहुत दिव्य समाज है, सत्संग समाज तो बहुत सारे हैं पूरे संप्रदाय में, लेकिन आज हम सब काका जी महाराज के सभी लाडले हैं, काका जी महाराज के कृपा पात्र जितना भी समाज है, मैं तो कहूँगा यही सुवर्ण का समाज है, यही सुवर्ण समाज है। और गुरुहरि काका जी महाराज की शताब्दी, काका जी और पप्पा जी का ये शताब्दी महोत्सव, बस यही हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को मत गुमाइएगा। इस अवसर में तन से मन से धन से पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो जाइए। बहुत सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, हम तो सेवा करेंगे ही, प्रेरणा बहुत हमें करनी है। हमारे निमित्त, हमारे द्वारा और भी कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो, दर्शन करे, उत्सव में आए, सब आनंद सत्संग का प्राप्त करे, इस शताब्दी महोत्सव में ज्वाइंट हो, तन से मन से धन से यत किंचित हम जितनी सेवा करवा सके, जितनों को प्रेरणा करवा सके, बस ये प्रेरणा का फल बहुत बड़ा है, महाराज बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। तो बस इसमें बहुत सावधानी से सेवा कीजिएगा, सबको प्रेरणा कीजिएगा। आज के दिन बस यहीं पे मैं कथा के शब्दों को विराम देता हूँ, कल हो सके उतनी कथा लेंगे। दिनकर दादा को, भरत भाई को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि ये ज्ञान में, उम्र में, आदर्श में, सभी तरह से मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे मेरे सामने बैठ के वो सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा, एक जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मैं और कुछ अपने शब्दों में नहीं कह पाता, बस आपको मैं वंदन करता हूँ। वशी भाई बापू, उनको भी याद करते हैं, उनको भी वंदन करते हैं, क्योंकि उनकी शुभेच्छा हर हमेश हमारे साथ है। तो कल फिर सुबह मिलेंगे, 2 मिनट धुन करते हैं, बाद में दिनकर भाई और भरत भाई का आशीर्वाद लेते हैं। स्वामी नारायण, 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 स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो की जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, दिव्य बंधु स्नेहल सिंधु, शताब्दी पर्व महोत्सव की जय। सर्व गुणातीत समाज की,
बाल कृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। विघ्न विनायक देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय आज हमारी सभा में हमारे रोमेश भाई पारेख एंड देवी बहन पारेख वो भी पधारे हैं। कल उनके वहाँ हम जाके भजन संध्या करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं। वो भी आज खास टाइम लेके आए हैं। हम भी उनका स्वागत करते हैं। जय स्वामीनारायण।